तो वेलकम है आपका फिर से एक बार रीजनिंग की क्लास में विजयपथ एजुकेशन की तरफ से। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कैलेंडर। सो कंप्लीट चैप्टर आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और ट्रिक्स इसमें जो हैं वो आपको करवाई जाएंगी। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें आप अपने फ्रेंड्स के साथ। हिमाचल पुलिस के लिए रीजनिंग की इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। बेसिक के अगर बेसिक और अगर एडवांस के जो भी हमारे पास स्टूडेंट हैं दोनों ही इस क्लास को लगा सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपका टॉपिक रहेगा ये कैलेंडर का और जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। कंप्लीट टॉपिक ट्रिक्स के साथ आज आपको मैंने करवाना है ये। जल्दी से जुड़ जाएं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का और बिना फॉर्मूले के आपको ये आज करवाया जाएगा। ट्रिक्स इसमें आपको बताई जाएंगी। सो मिस ना करें आज के इस टॉपिक को। इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए रहेगा ये। जल्दी से आप जुड़ जाएं, शेयर कर दें एक बार वीडियो को। हाँ जल्दी से जुड़े। अरुण कुमार, अंकित चौधरी, सचिन, अंकुश अंगारिया, हाँ जुड़ गए हैं आप सभी। वीडियो को शेयर कर दें एक बार अपने फ्रेंड्स में। जो भी आपके कांटेक्ट में हैं एक बार जरूर शेयर कर दें आप उन्हीं को, ताकि वो भी अपना इम्पोर्टेंट जो उनकी क्लास रहेगी कैलेंडर की वो भी लगा सकें। बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, बिल्कुल बेसिंग से, और सारा टॉपिक आज आपको कंप्लीट करवाया जाएगा कैलेंडर का। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के रहेंगे सारे के सारे आपको कंप्लीट आज करवाए जाएंगे इस कैलेंडर टॉपिक के। सो जल्दी से जुड़ जाएं आप सभी, फिर स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के टॉपिक को। रजित चौधरी, अंकित कुमार, अरुण कुमार, पायल राणा, स्टेटस मेकर, हाँ जुड़ गए हैं आप सभी। सो वो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो भी हमारे कैलेंडर के क्वेश्चन हैं उसको इजी ट्रिक से मैंने आज आपको यहाँ पे बताना है, बिल्कुल इजी वे में, और साथ में जो है वो बिना किसी फॉर्मूले के। आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के टॉपिक को। सबसे पहले कैलेंडर जो है आप सभी ने देखा है घरों में हम यूज़ करते हैं कैलेंडर, और उसमें जो है वो हमारा एक पूरा साल का जो सिस्टम है वो आपको वहाँ पे बताया जाता है। उसमें आपके पूरे 12 महीने होते हैं, दिन होते हैं, हफ्ते होते हैं, डेज होते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोलते हैं। लेकिन कैलेंडर जो है वो हमारे अलग-अलग यूज़ के लिए भी किया जाता है। आपको डेट देखने के लिए यूज़ किया जा सकता है, आप उसमें मंथ को चेक कर सकते हैं, हॉलीडे को चेक कर सकते हैं, बट आपका जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग में कुछ अनदर वे का बनेगा। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है इसका, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले नंबर पे कि नॉर्मल ईयर क्या होता है। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है सामान्य साल। सामान्य साल का मतलब है कि एक ऐसा साल जिसमें टोटल कितने दिन हैं, 365 दिन है। एक ऐसा साल जिसमें टोटल कितने दिन है, 365 दिन है। और लीप ईयर का मतलब है कि जिसमें हमारे एक साल में टोटल कितने दिन आते हैं, 366 दिन आते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का ये पोर्शन या फिर आप जीके का पोर्शन बोल सकते हैं, जो भी हमारा ज्योग्राफी है, भूगोल है, वहाँ पे आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, एक चक्कर लगाने में जो है वो 365 दिन और कुछ घंटे का समय जो है वो लेती है, और कुछ घंटों को मिला के 4 साल में जो है वो पूरा एक दिन बन जाता है। तो 365 से लीप ईयर में जो है वही वाला एक दिन जो है वो आगे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर एक ऐसा साल है जहाँ पे टोटल कितने दिन हैं, 366 दिन है, और नॉर्मल ईयर ऐसा साल है जहाँ पे कितने दिन हैं, 365 दिन है।
तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का पता कैसे चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आज जो हमारा अभी का प्रेजेंट साल चला है 2022, अगर 2022 की बात करता हूँ मैं, तो ये हमारा लीप ईयर भी हो सकता है, नॉर्मल ईयर भी हो सकता है। मतलब इसमें जो हमारे दिन हैं वो 365 दिन भी हो सकते हैं, 366 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये नॉर्मल है या लीप है। अगर नॉर्मल है तो 365 दिन होंगे, और अगर लीप ईयर है तो 366 दिन होंगे। हाँ, पायल राणा जी ने आंसर बताया है 365.6। हाँ, जीके में आप ये जो है पढ़ सकते हैं। हाँ, फरवरी, और वो जो हमारा एक दिन ये जो ऐड होता है, रजत चौधरी जी बता रहे हैं, ये जो एक दिन हमारा बढ़ता है ये कौन से महीने में ऐड हो जाता है, फिर हमारा ये फरवरी मंथ में ऐड हो जाता है। मतलब फरवरी जो है वो हमारे 28 दिनों की होती है, लेकिन लीप ईयर के केस में ये 28 के बजाय कितने दिनों की हो जाती है, 29 दिनों की हो जाती है। हाँ, तो जो हमारा 2022 का जो हमारा साल है, ये लीप ईयर है या नहीं है, इस चीज़ को चेक कैसे करना है, जो आपके पूरा का पूरा साल है, या तो आपके पूरे साल को 4 से डिवाइड कर दें, या फिर जो लास्ट के 2 डिजिट हैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को डिवाइड करना है। 2022 के लास्ट के 2 डिजिट हैं हमारे पास 22, तो 4 से अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये 4 के पहाड़े में कंप्लीट नहीं कर देता है। सर वीडियो अपलोड कर देना यूट्यूब पर। हाँ, आपको मिल जाएगी वीडियो कुछ टाइम के बाद मिलेगी, बट अभी तो नहीं मिलेगी। ब्रिजेश चौधरी, 6 घंटे, 6 आर आफ्टर 4 इट काउंटेड। हाँ, 365 दिन और 6 घंटे जो हैं वो एक साल का समय बनता है चक्कर लगाने में, फिर दूसरे साल भी 365 और 6 घंटे। तो ये जो हमारे 6 6 घंटे यहाँ पे चले हैं, पहले साल के 6 घंटे, फिर दूसरे साल के 6 घंटे, फिर तीसरे साल के 6 घंटे, और फिर लास्ट में चौथे साल के 6 घंटे। तो ये जो हमारे 6 6 12, फिर 18 और 24, ये जो हमारे 24 घंटे बने, और 24 घंटे का ही हमारा क्या बन जाता है, एक पूरा दिन बन जाता। तो इसीलिए 4 साल के बाद जो है वो हमारा एक लीप ईयर आता है। हाँ, स्टेटस मेकर जो ईयर 4 से डिवाइड होगा, हाँ उसी को लीप ईयर बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिस ऐसा ईयर जो 4 से पूरी तरह कट जाता है, जैसे अगर मैंने यहाँ से 4 से 22 को काटा, तो 4 के टेबल में 22 नहीं आता, मतलब ये पूरा नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये नॉर्मल ईयर है। और अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2048 की, ठीक है, 48 की अगर बात करता हूँ, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से कटने चाहिए। 4 से कितनी बार कट जाएंगे, 12 बार कट जाएंगे। तो अगर हमारा कोई जो ईयर है, अगर हमारा कोई ईयर जो है अगर वो कंप्लीट कट होता है, अगर हमारा कोई ईयर जो है वो कंप्लीट कट हो जाता है किससे, 4 से, तब हमारा वो जो ईयर है वो कैसा होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये, जल्दी से आप बताएं क्या क्लियर हो रहा है। काफी अच्छे तरीके से आज आपका कैलेंडर का जो चैप्टर है वो खत्म कर दिया जाएगा। जितने भी आपके डाउट हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से इसको समझेंगे, और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी है उसमें। ठीक है, तो हाँ जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है अभी तक। हाँ ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बेसिक सी चीज आती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता, कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कि लीप ईयर और जो हमारे नॉर्मल ईयर हैं उसमें डिफरेंस क्या, वो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मंथ की, आपको पता है कैलेंडर में टोटल कितने मंथ होते हैं, अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, सबसे पहला आएगा जनवरी, फिर आएगा हमारा फरवरी, और ये चलते जाएंगे, आप सभी को पता है लास्ट मंथ क्या आ जाता है, हमारा दिसंबर आ जाता है। साथ में कैलेंडर के इस टॉपिक में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, कौन से महीने में कितने दिन आते हैं, मतलब जनवरी कितने दिनों का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 31 दिनों का। फरवरी जो है वो आपका होता है 28 या फिर 29 दिनों का। काफी अच्छा मेथड है इसको याद करने का, कि आप इसको हाथ में चेक करते हैं, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है हाथ में, वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। जो अप वाला जो हमारे हाथ का हिस्सा होता है वो हमारे 31 का होता है, और जो डाउन का होता है वो 30 का होता है, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कितने कितने दिन कौन से महीने में आते हैं, ये आपको
बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं इसको हाथ की यहाँ पे अगर कोई शेप अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो अप का हमारा होता है, ये हमारा जनवरी होगा, फिर ये हमारा फरवरी, फिर ये मार्च, फिर ये अप्रैल, फिर ये मई, फिर ये जून, ऐसे ये सीरीज चलती जाती है हाथ में, आपको आनी चाहिए, ठीक है। और जनवरी जो है वो हमारा 31 दिनों का होता है, फरवरी हमारा 28 या फिर 29 का होता है, लीप ईयर के केस में 29 का हो जाएगा, मार्च हमारा 31 का होगा, उसके बाद अप्रैल जो है, उसके बाद जो अप्रैल है ये हमारा होगा 30 का, और जो हमारा मई है ये फिर से 31 का, ऐसे हमारी ये सीरीज जो है वो चलती रहेगी। हाँ ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने मंथ की तो बात कर ली, उसके बाद बात करेंगे वीक की, ठीक है। वीक का मतलब होता है हफ्ते, तो एक महीने में मिनिमम जो है हमारे वो 4 हफ्ते जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी महीना जो है वो 28 दिनों से कम का नहीं होता है, ठीक है, मिनिमम 28 दिन उसमें है, तो 7 दिनों का क्या बन जाएगा हमारा एक हफ्ता बन जाता है, 7 दिनों का क्या बन जाता है एक हमारा हफ्ता बन जाता है, 7 दिनों का हमारा एक हफ्ता बन जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। तो हर महीने में कम से कम हमारे 4 हफ्ते होते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक साल में कुल कितने हफ्ते होते हैं, तो अगर मेरे को हफ्ते कैलकुलेट करना है तो आपको ध्यान रखना है एक साल में कितने दिन, आपके 365 दिन, एक साल में कितने दिन, 365 दिन। अगर मेरे को हफ्ते निकालने हैं तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा इसको, मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से, ठीक है, तो 7 से जब मैंने इसको डिवाइड किया, 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 35, और यहाँ पे रिमाइंडर 1, फिर 15 आ जाएगा, और 7 को 2 से करेंगे तो 14, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 14, रिमाइंडर फिर से बचा 1। हाँ, तो अगर मैं एक साल की बात करूं जो हमारा 365 दिनों का साल है, उसमें हफ्ते कितने हैं, तो जो पूरी तरह से कट गया मतलब 52 टाइम्स ये पूरी पूरा कट गया, तो 52 उसमें हफ्ते होंगे और प्लस एक हमारा क्या होगा उसमें एक्स्ट्रा दिन होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको 5 सालों का भी पूछा जा सकता है, 10 सालों का भी हफ्ते पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाँ बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। हाँ, उसके बाद एक और जो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, आपको बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है, वो रीज़न है क्योंकि ये आप इसको ट्रिक आप एक मान सकते हैं या फिर आपका एक फिनोमिना है वो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बतानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे 5 तारीख को मिला, ठीक है, मैं आपसे 5 तारीख को मिला, आप एकेडमी आए थे, मैंने आपको 5 तारीख में आपसे मिला और मैंने बोला कि आप एक हफ्ते के बाद मेरे को फिर से मिल के जाना, मैं से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 तारीख को क्या था, फॉर एग्जाम्पल सैटरडे था, ठीक है, शनिवार था, तो जब भी एक हफ्ते की बात करूंगा कि एक हफ्ते के बाद आपने दोबारा आना है, जैसे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आज आपने चेकअप करवा लिया और 2 हफ्तों के बाद आपने दोबारा आना है, ठीक है, तो 2 हफ्तों के बाद का उसका मतलब है कि आपने सेम डे 2 हफ्तों के बाद वही सेम डे आपको वापस आना। अगर मैं 5 तारीख को शनिवार को आपसे मिला था और एक हफ्ते के बाद फिर से मिलना है, तो मतलब अगले शनिवार को आपको मिलना, आपका कभी भी हफ्तों में कोई भी आपका दिन चेंज नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जो आज हमारी डेट है, जो आज हमारा डे है वो है हमारे पास 19 जैन, ठीक है, अच्छा आवाज कम आ रही है, ठीक है, अब हो जाएगी शायद, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर आज जो है हमारी वो 19 जैन है और 19 जैन को जो है वो हमारा वेडनेसडे है, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने आपसे 5 हफ्तों के बाद फिर से मिलना है या फिर 15 हफ्तों के बाद फिर से मिलना है, तो इसका मतलब है कि आपने कौन से दिन को मिलना है मेरे से, दोबारा से बुधवार को ही मिलना है। मैं जितने भी हफ्तों की यहाँ पे बात करूँगा उसका मतलब कि हमारा वो जो दिन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक और अगर मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जैसे अगर मैंने बोला कि 19 जनवरी को जो है वो हमारा वेडनेसडे है और मेरे आपने जो है वो मेरे से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने मेरे से जो है वो
38 डेज के बाद मिलना है, 38 डेज के बाद मिलना। तो आपको सारे के सारे जो दिन हैं वो काउंट नहीं करने हैं, ठीक है? सारे के सारे दिन जो हैं वो आपको काउंट नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि 19 जनवरी को मैं आपसे मिला था, उस दिन बुधवार था, और आपने मेरे को 38 दिनों के बाद मिलना, 38 डेज के बाद मिलना, तो उस टाइम पे कौन सा आपका दिन आएगा? तो आपने क्या करना है, इस 38 को सबसे पहले हफ्तों में चेंज करना है। अब हफ्तों में चेंज करने के लिए आपको मेथड बताया था मैंने, आप क्या करेंगे, इस 38 डेज को 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 5 बार पहले कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 35, और रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा 3। इसका मतलब हुआ कि 38 डेज में आपके ये जो हैं ये 5 हफ्ते बन गए और 3 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे बच गए। मतलब 38 डेज को मैं लिख सकता हूँ 5 हफ्ते और प्लस कितने, 3 दिन, 5 हफ्ते और प्लस के 3 दिन। तो मैं आपको 19 जनवरी को मिला था, उस दिन बुधवार था, तो इसका मतलब कि अगले 5 हफ्तों तक हमारा कोई दिन चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको अभी बताया कि हफ्तों में कोई भी दिन हमारा चेंज नहीं होता है। तो मैंने सिर्फ कितने दिन आगे जाना है, 3 दिन आगे जाना है। तो बुधवार से आगे जाएंगे सबसे पहले वीरवार, फिर शुक्रवार, और फिर हमारा शनिवार। तो आंसर क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर 19 जनवरी को बुधवार है और 38 दिनों के बाद मेरे को आपसे फिर से मिलना है, तो उस दिन कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। हाँ, रोहित शर्मा जी बोल रहे हैं, अच्छा ट्रिक है ये, ट्रिक नहीं है, ये आपका फिनोमिना है। मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज़ यहाँ पे बतानी है कि जो आपका हफ्ते हैं, ये चीज़ आपको बड़े काम की आएगी क्वेश्चन में, जो आपके हफ्ते हैं उसमें आपका कोई भी दिन चेंज नहीं होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को आपसे 52 हफ्तों के बाद मिलना है, या फिर 100 हफ्तों के बाद मिलना है, तो इसका मतलब है सेम डे की बात की गई है। हफ्ते का मतलब होता है 7 दिन के बाद फिर से डे जो वो हमारे रिपीट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं आपको जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद जो हमारे स्लाइड की फॉर्मेशन में क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, आपको मैं मेथड सिखा देता, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से ट्राई करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, फिर आप यहाँ से आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 जनवरी, 1 जनवरी, आपको यहाँ पे कोई ईयर नहीं दिया गया, ठीक है? अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता, अगर आपको कोई एक स्पेसिफाइड मंथ दिया गया है, जैसे मैंने बोल दिया कि जनवरी, ठीक है, तो आपको जनवरी के दिन लिखने हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। आपको बोला गया है फरवरी, तो फरवरी में कितने दिन हैं आपके, 28 या फिर 29। अब जब तक आपको लीप ईयर नहीं बोला जाए, आपने 29 दिन कभी काउंट नहीं करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ में एक और चीज़ है, अगर आपको एक सिंपल साल बोला गया है तब तो आपका आंसर क्या आएगा, 365 दिन के केस में। अगर आपको बोला गया है लीप ईयर तब आपने कितने लेने हैं, 366 दिन। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि किसी साल में 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कोई दिन है और अगले 1 जनवरी को कौन सा दिन आएगा, तो इसका मतलब है कि आपने जो दिन लेने हैं वो 365 दिन ही लेने हैं। आपको जब तक लीप ईयर के बारे में नहीं बोला जाता है, आपने अपनी मर्जी से 366 दिन नहीं लेने हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारा मेथड है वो आपको ध्यान से लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि 1 जनवरी को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास सैटरडे है, ठीक है, 1 जनवरी को सैटरडे है, और आपसे पूछा जाए, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि अगले महीने मतलब 1 फरवरी को कौन सा दिन आएगा, 1 जनवरी को सैटरडे है और अगले महीने 1 फरवरी को कौन सा दिन आएगा, तो इसका मेथड क्या है आपका, वो चीज़ मैं आपको बता देता। फर्स्टली आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपको जितने भी डे हैं, जितने भी डेज हैं, मतलब जितने भी डेज का आपका गैप बनता है, वो आपको सारे के सारे यहाँ पे काउंट करने हैं। जितने भी दिन हैं वो आपको सारे के सारे काउंट करने हैं। देखेंगे, जनवरी जो है वो आप सभी को पता है कितने दिनों का होता है, जनवरी आपका होता है 31 दिनों का, ठीक है? जनवरी है आपका 31, उसमें से 1 जनवरी तो हो चुकी है, 1 जनवरी हो चुकी है, आपके कितने दिन बचे, जनवरी 31 का होता है, उसमें से 1 तारीख हो चुकी है, तो आपके कितने दिन बच जाएंगे, 31 में से
एक कम कर देंगे तो जनवरी के कितने दिन बच गए आपके, 30 दिन यहाँ पे बच गए। ये तो जनवरी पूरा हो गया। उसके बाद आपको फरवरी तक जाना है। फरवरी की कौन सी डेट तक जाना है? आपको फरवरी की डेट तक, 1 फरवरी तक आपको जाना है, ठीक है? जहाँ तक आपको बोला जाए सिर्फ वहीं तक आपने जाना है। तो 30 और 1, 30 आपके जनवरी के दिन पेंडिंग आ गए और 1 जनवरी तक आप, 1 फरवरी तक आपको जाना है। तो टोटल कितने दिनों का गैप बन गया? 31 दिनों का यहाँ पे गैप बन गया। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है आपका? सबसे इजी है, जो भी आपके गैप वाले डेज निकल के आएंगे, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे डेज निकल के आएंगे, यहाँ पे डेज कितने निकल के आए? टोटल 31। आपको क्या करना है, इस डेज को डिवाइड कर देना है, इस डेज को डिवाइड कर देना है किससे? 7 से। तो आपके क्या निकल आएंगे यहाँ पे? हफ्ते निकल आएंगे। जब भी मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो आपके क्या निकलेंगे यहाँ पे? हफ्ते निकल कर आएंगे। हाँ, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। हाँ, तो यहाँ पर इस 31 को मैं क्या करूंगा? 7 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? 7 से डिवाइड करूंगा, 4 बार पूरी तरह कटा, मतलब 31 दिनों में 4 हफ्ते आ गए, और प्लस 28, 29, 30 और 31, मतलब कि 3 दिन जो हैं वो मेरे पास क्या बच गए? एक्स्ट्रा दिन बच गए। तो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया था कि जब भी हफ्तों की बात आएगी तो आपने हफ्तों को काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर 1 जनवरी को शनिवार है तो उसके 4 हफ्तों के बाद, जो भी हमारा डेट बनेगी वहाँ तक हमारा शनिवार रहेगा, शनिवार हमारा रहेगा। उसके बाद आपको कितने दिन आगे जाना है? सिर्फ 3 दिन आपको आगे जाना है। तो 3 दिन आगे जाएंगे शनिवार से, 3 दिन आगे जाएंगे, सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास? रविवार, उसके बाद सोमवार और उसके बाद मंगलवार। तो 1 फरवरी को हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है? मंगलवार आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि 10 जनवरी को जो है वो रविवार है, 10 जनवरी को जो है वो रविवार है, मतलब कि संडे है, और आपको यहाँ पे बोला जाए कि आपको बताना है 12 मार्च को कौन सा दिन आएगा, 12 मार्च को कौन सा दिन आएगा। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको डेज काउंट करने हैं सारे के सारे, आपको डेज काउंट करने हैं। 10 जनवरी, मतलब जनवरी के टोटल 31 दिन होते हैं, उसमें से 10 जनवरी हो चुकी है, 10 दिन उसके हो चुके हैं, तो आपके पेंडिंग कितने बचे? आपको क्या करना है, इस 31 में से जितने दिन हो चुके हैं, जनवरी के 31 दिन और 10 जनवरी हो चुकी, तो आपको माइनस कर लेना है। तो आपके कितने दिन बच जाएंगे यहाँ पे? 21 दिन यहाँ पे जनवरी के पेंडिंग हो जाएंगे। 21 दिन तो मैंने लिख दिए यहाँ पे पेंडिंग। उसके बाद जनवरी के बाद मैं जाऊँगा फरवरी में, और फरवरी के बाद मेरा कौन सा, कहाँ तक मेरे को जाना है? मार्च तक जाना है। आपने डायरेक्ट 12 मार्च ऐड नहीं करना, आपको फरवरी में भी जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो फरवरी, जब तक आपको लीप ईयर का ना बोला जाए, आपने 29 दिन फरवरी के काउंट नहीं करने, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काउंट करने हैं 28 दिन। फरवरी के कितने दिन काउंट करने हैं? 28 दिन। और 28, ये फरवरी हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा 21 दिनों के साथ जनवरी कंप्लीट हो गया, 28 दिनों के साथ फरवरी। और मार्च के कहाँ तक जाना है? मार्च के मेरे को कहाँ तक पूछा गया? सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों तक पूछा गया, 12 दिनों तक पूछा गया। अच्छा, अब जो हमारा सेकंड स्टेप था, आपको टोटल डेज कैलकुलेट करने हैं। या तो आप इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10 और 1 11, एक कैरी करेगा, फिर 2 2 4, 1 5 और 1 6, तो टोटल कितने दिन इसके बन गए? 51 दिन, मतलब कि 10 जनवरी से, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 21 दिन, उसके बाद है 28 दिन और उसके बाद है 12 दिन। कोई मिस्टेक है इसमें? हाँ, यहाँ पे 11, हाँ 1, हाँ यहाँ पे 6 आएगा, हाँ 61 आएगा, 51 नहीं आएगा, हाँ ब्रिजेश चौधरी 61 आएगा, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो टोटल हमारे डेज कितने बन गए यहाँ पे? 61 डेज जो है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो 61 डेज को आप हफ्तों में चेंज कर लो सबसे पहले। तो मैं क्या करूँगा, इस 61 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? 7 से जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 7 से कितनी बार कटेगा?
8 से कट जाएगा, 8 7 जा कितने होते हैं 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच गया 5। इसका मतलब है कि 61 डेज जो हैं आप उसको आपने तोड़ दिया 8 हफ्तों में, और साथ में आपके वो दिन कितने आ गए यहाँ पे, 5 डेज एक्स्ट्रा आ गए। तो 8 हफ्तों को आपको काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या काउंट करने हैं, 5 दिन कैलकुलेट करने हैं, 5 दिन कैलकुलेट करने हैं। तो आपको रविवार से 5 दिन आगे जाना है, 5 दिन आगे जाएंगे, ये एक दिन, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। रविवार से 5 दिन आगे जाएंगे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे आ गया आप सभी का, तो 12 मार्च को कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे आएगा। अच्छा, इसके लिए एक और ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता, सबसे शॉर्टकट मेथड है इस चीज़ को फाइंड आउट करने का। हमने यहाँ पे क्या किया, 10 जनवरी से 12 मार्च तक हम गए, 21 दिन जनवरी के बचे, 28 दिन फरवरी के बचे और 12 दिन हमारे मार्च के बचे। आप इस चीज़ को यहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो। आपको ब्रेक करने का मेथड क्या है, 7 14 21 और 28। आप इस चीज़ में भी इस चीज़ को तोड़ सकते हो। आपको पता है कि 21 दिनों के कितने हफ्ते होते हैं, आपका डायरेक्ट टूट जाएगा, 21 दिनों का मतलब 3 हफ्ते, तो हफ्तों को कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने इसको यहीं पे काट दिया सारा का सारा। अब 28 दिन का मतलब होता है 4 हफ्ते, तो ये हफ्तों में टूट गया, इसका कंप्लीट मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। अच्छा, अब मेरे पास कितने दिन बचे लास्ट में, 12 दिन बचे। 12 को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, 12 को मेरे को पता है कि 7 दिनों का तो हफ्ता बन जाएगा, और प्लस 5 दिन मेरे पास के बच जाएंगे, एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो इस 12 दिनों को मैंने किस में चेंज कर दिया, हफ्तों में चेंज कर दिया, मतलब एक हफ्ता बन गया, सॉरी यहाँ पे 1 वन वीक आएगा, ठीक है, 7 दिनों का एक हफ्ता, फिर से हफ्ता बन गया, कैंसिल हो गया, और लास्ट में क्या बचा, 5 डेज। तो आपका डायरेक्ट यहां से भी आंसर जो है वो निकल सकता है, आपको यही शॉर्टकट यूज करना है। अच्छा, नेक्स्ट एक और इसका टॉपिक है, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। फाइंड डे फ्रॉम डेट विद कंपैरिजन और विदाउट कंपैरिजन। इसका मतलब है कि यहां पे आपको कोई एक डेट दी जाएगी, जैसे मैं यहां पे बोल देता हूं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक डेट बता देता हूँ। कंपैरिजन और विदाउट कंपैरिजन का मतलब क्या है, जैसे आज क्या है हमारे 19 जनवरी है, ठीक है, 19 जनवरी 2022 है, मैंने आपको बोल दिया कि आज जो है वो हमारा बुधवार है, वेडनेसडे है, और आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि 20 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब है आपको एक डेट जो है वो गिवन की गई होगी, मतलब आपको एक डेट यहाँ पे बताई गई है कि 19 जनवरी 2022 को जो है वो आपका बुधवार है, और आपको इसके कंपैरिजन, आपको 19 जनवरी 2022 को कंसीडर करते हुए, इसके कंपैरिजन करते हुए आपको जो है वो 20 जनवरी 2023 की डेट या जो आपका डे है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका मतलब होता है कि आप इसको कंपैरिजन के थ्रू जो है वो आप इसको निकालते हैं। कंपैरिजन के थ्रू जो है आप इस चीज को निकालते हैं। एक हमारा क्या बनता है, विदाउट कंपैरिजन का क्या, अलग अलग मेथड है इन सभी के, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा। विदाउट कंपैरिजन का मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि 15 सॉरी 15 तो नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस दिन हमारा हिमाचल बना था, 25 जनवरी, 25 जनवरी 1971 को कौन सा दिन था, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया गया। आपको यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं बताया गया है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि 25 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। जितने भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे विद कंपैरिजन और विदाउट कंपैरिजन, आपको ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे सारे के सारे।
हाँ, तो जितने भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सारे के सारे ट्रिक की फॉर्मेशन में करवाए जाएंगे। सो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आपको ट्राई करने हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो सबसे हमारा पहला फॉर्मेट है, एक किसी नॉर्मल एयर का, इसका मतलब कि एक सामान्य साल का पहला दिन और अंतिम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है वो इक्वल होते हैं, वो समान होते हैं। ये चीज़ें आपको साथ साथ में लिखते चलना है, ठीक है? ये चीज़ें आपको साथ साथ में लिखते चलना है अपनी कॉपी में, जो आपके शॉर्टकट यहाँ पे रहेंगे। मैंने आपको बोला कि एक किसी सामान्य साल का पहला दिन और अंतिम दिन जो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब है कि अगर जो दिन हमारा 1 जनवरी को होगा, मतलब पहला दिन, अगर 1 जनवरी को फॉर एग्जांपल संडे है, तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन आएगा? 31 दिसंबर को भी हमारा संडे आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैं एक सामान्य ईयर की बात कर रहा हूँ। सामान्य साल का मतलब होता है नॉर्मल ईयर, जिसमें 365 दिन है, जिसका पहला दिन और अंतिम दिन जो है वो इक्वल होगा, सेम होगा, पहला दिन और अंतिम दिन इक्वल होगा। लेकिन जब मैं एक सामान्य साल में इस 31 दिसंबर से अगले 1 दिन तक जाऊंगा, मतलब 1 जनवरी अगर मैं चला जाता हूं, तो 1 जनवरी जब मैं 2021 से 2022 में जब मैं जाता हूं, मतलब पूरा 1 साल मैंने चेंज किया है, तो आपका एक सामान्य साल में सिर्फ 1 दिन ऐड हो जाता है। 1 दिन आपका क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 1 जनवरी 2022 को अगर आपका संडे है, तो आपका 1 जनवरी 2023 को 1 दिन बढ़ जाएगा। जब आप पूरा 1 दिन आगे जाएंगे, तो संडे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंडे हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2023 को क्या आ जाएगा, आपका मंडे आ जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूँ, ठीक है, लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर के केस में क्या होता है कि आपका जो पहला दिन है, जो आपका फर्स्ट दिन होगा, अगर 1 जनवरी को आप, अगर आपका संडे है, तो जो इसका लास्ट दिन होगा, मतलब जो इसका 31 दिसंबर होगा, उसमें 1 दिन का चेंज आता है। और वो चेंज कहाँ से आता है वो आपको क्लियर है, क्योंकि फरवरी जो है वो 28 के बजाय किस में चेंज हो जाती है, 29 में। तो 1 दिन हमारा फरवरी में बढ़ जाता है, उसी वजह से फर्स्ट डे और लास्ट डे में 1 दिन का गैप होता है। यहाँ पे 1 दिन जो होता है वो इसमें पूरा बड़ा होता है। लेकिन अगर एक पूरे साल की गैप की बात कर दी जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 जनवरी 2024 को संडे है, और आपको बोला जाए यहाँ पे कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2024 को अगर संडे है, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, तो आपका लीप ईयर में जब भी 1 साल का गैप बनता है, तो आपके टोटल 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य साल में 1 साल के गैप में 1 दिन आगे बढ़ता है, और लीप ईयर के केस में 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो संडे से 1 दिन मंडे, और मंडे से 1 दिन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, कई बार लीप ईयर का जो आपका केस है वो उसमें फेल हो जाता है। उसका रीजन क्या है, आपकी फरवरी काउंट होनी चाहिए लीप ईयर में। अगर आपकी फरवरी काउंट नहीं है लीप ईयर में, तो आपका रिजल्ट वहाँ पे गलत आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020 को फॉर एग्जांपल रविवार है, संडे है, और मैंने आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि 12 मार्च 2021 को कौन सा दिन आएगा। अब आप यहाँ पे आंसर जो है वो आपको लीप ईयर का केस नहीं बनाना है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, आप एक बार वीडियो को रेपिटिशन की फॉर्म में देखें, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा आपको कॉन्सेप्ट जो वो समझ में नहीं आया वो आप एक बार बताएं, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, आपको मैंने 12 मार्च का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया। 12 मार्च 2020 से मेरे को 12 मार्च 2021 तक जाना है, इसका मतलब पूरा 1 साल में आगे गया। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो 12 मार्च
2020 है ये हमारा लीप ईयर है, 2020 जो है ये लीप ईयर है। अभी आपको बताया था कि लीप ईयर को चेक कैसे करते हैं, लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो 4 से 20 जो 5 टाइम पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। तो 2020 हमारा लीप ईयर है, हमारे इसमें 2 दिन आगे बढ़ने चाहिए, 2 दिन हमारे इसमें आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फरवरी का महीना है, जो भी हमारा लीप ईयर का केस है, उसमें आपको हर बार चेक करना है कि क्या फरवरी है या नहीं है। अब मैं 12 मार्च की बात करता हूँ, 2020 का जो साल है वो मेरा लीप ईयर है, लेकिन जनवरी और फरवरी वो हो चुके हैं, मतलब इसमें फरवरी जो है वो निकल चुका है। फरवरी अब दोबारा जो वो 2021 में आएगा, इसका मतलब वो जो हमारा 29वां दिन था फरवरी का, जो एक्स्ट्रा दिन है वो तो हमारा फरवरी में जा चुका है। मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं 12 मार्च तक पहुँच गया हूँ। तो ये हमारा जो लीप ईयर है, ये हमारा फरवरी हो जाने के बाद हमारा लीप ईयर एक किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हमारा नॉर्मल ईयर की तरह बिहेव करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 12 मार्च 2020 को अगर रविवार है तो 12 मार्च 2021 को आपका सोमवार होगा, आपका यहाँ पे मंगलवार नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हाँ अरुण कुमार, 12 मार्च 2021 को मंडे आएगा, हाँ ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको डाउट होगा क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने है स्लाइड के ऊपर, एक बार ट्राई करें इस चीज़ को कि क्या इसका आंसर बनेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, जल्दी से इसका आंसर करें। फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन के बाद हुआ। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि किस तिथि को उसका जन्म हुआ है, ठीक है, किस तिथि को उसका जन्म हुआ। मैं आपको यहाँ पे फिनोमिना बताते चलूँगा, एक बार आप ज़रूर इसको चेक कर लें। देखो सबसे पहले एक कोई लड़की है, फिरोजा है, उसका जन्म कब हुआ है, 2 फरवरी 2011 को उसका जन्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिन हमसे नहीं पूछा गया, जैसे आपको बोल दी कि आपका जो जन्म है वो 2 फरवरी 2011 को हुआ और 4 दिन के बाद आपके भाई का जन्मदिन है, ठीक है, 4 दिन के बाद, तो 4 दिन का मतलब हो गया कि इसमें ऐड कर देंगे तो आपके भाई का जन्मदिन कब होगा, 6 फरवरी को होगा। तो यहाँ पे इस 4 की जगह आपको कितना बताया गया, आपको इस 4 की जगह बताया गया 553 दिन। तो आपको 553 दिन आगे जाना है, 553 दिन आपको यहाँ पे आगे जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 553 दिन आपको आगे जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पूरा 1 साल आगे चला जाऊँगा, ठीक है, पूरा 1 साल जब मैं आगे जाऊँगा, इसका मतलब है कि मैं कितने दिन आगे चला गया, मैं 365 दिन आगे चला गया। तो 2 फरवरी 2011 से 365 दिन का मतलब पूरा 1 साल, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, 2 फरवरी 2012 तक पहुँच गया, 2012 तक पहुंच गया, मतलब मैं 365 दिन क्रॉस कर चुका। अब मेरे को बोला क्या गया था, मेरे को बोला गया था कि टोटल 553 दिन आगे जाना, आपने 553 दिन में से मैंने 365 दिन कम कर दिए, तो कितने दिन बचेंगे, 365 दिन जब मैंने इसमें से कम कर दिए तो यहाँ पे बच जाएंगे 13 में से 5 जाएंगे 8, फिर 14 में से 8, और यहाँ पे ठीक है 188। जब मैंने 553 में से 365 दिन में आगे चला गया, मतलब मैं 2 फरवरी 2011 से मैं पहुंच गया 2 फरवरी 2012 तक, तो मतलब मैं 365 दिन आगे जा चुका हूँ। अब मेरे को कितने दिन आगे जाना है, 188 डेज आगे जाना है। तो यहाँ पे आपकी जो फरवरी है, जो आपकी फरवरी है 2012 की, एक बार आप चेक कर लें, जो आपका 2012 है, ठीक है, जो आपका 2012 है, क्या वो आपका लीप ईयर है या नहीं है। 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो आपका 2012 एक लीप ईयर है, इसका मतलब आपके फरवरी में कितने दिन होंगे, यहाँ पे 29 दिन होंगे, 29 दिन होंगे। आप 2 फरवरी तक तो पहुँच चुके हैं, अब वो जो आपका फरवरी मंथ है, आपने उस फरवरी को कंप्लीट करने के लिए और कितने दिन आगे जाना है, 29 में से 2 दिन आप पहले जा चुके हैं, तो आपके फरवरी के बच गए 27 दिन, ठीक है। उसके बाद आपने मार्च का मंथ क्रॉस करना है, मार्च कितने का, पूरा आप क्रॉस कर जाएंगे, मार्च होता है 31 का,
आपको 188 दिन आगे जाना है। उसके बाद आपके पास आएगा अप्रैल, अप्रैल आपके पास आएगा 30 का। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आपके पास आएगा मई, मई में आपके दिन होते हैं 31। उसके बाद आपका आ जाएगा जून, ठीक है, जून में आपके पास होते हैं 30 दिन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं 188 डेज यहाँ पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। एक बार आप ऐड कर लें इसको, 27, उसके बाद 31, उसके बाद 30, फिर 31 और 30, ये आपके टोटल 149 डेज हुए हैं। बट मेरे को 188 दिनों तक आगे जाना है। यहाँ से यहाँ तक जो है अभी तक मैं 149 डेज आगे गया हूँ। ठीक है, तो जून के बाद मेरा क्या आ जाएगा, जुलाई भी आ जाएगा। जुलाई अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, 149 में जब मैं 30 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ तक जो है वो मेरे सॉरी 31 ऐड कर देता हूँ तो 180 डेज जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। 180 दिन, मतलब जब मैं 31 जुलाई तक पहुँच जाऊँगा तो 180 दिन पूरे हो गए। अब मेरे को 8 दिन और आगे जाना है। तो जुलाई के बाद कौन सा मंथ आ जाएगा हमारा, जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त। तो अगस्त के 8 दिन मेरे को जाना, तो इसका मतलब है कि मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, 8 अगस्त 2012 को जो है वो आदेश का जन्म हुआ है। मतलब 2 फरवरी 2011 के 553 दिन अगर मेरे को आगे क्रॉस करने हैं तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 8 अगस्त 2012। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या क्लियर हुआ आप सभी को, ये एक बार जरूर बताएं। फिर थोड़ा सा स्पीड रखेंगे क्वेश्चन में। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक लेवल से समझाया है। जितने भी बेसिक के बच्चे हैं या फिर एडवांस जिनके बैचेस चले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। क्या क्लियर हो रहा है आप सभी को, ये बताएं आप। हाँ, मनीष कुमार, 8 अगस्त 2012। हाँ बिल्कुल, 8 अगस्त 2012 ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ ठीक है, क्लियर है आप सभी को। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें इस चीज़ का। फरवरी माह में होते हैं 28 या 29 दिन, 29 या 30 दिन, 30 दिन या फिर 31 दिन। हाँ, ट्रिक आपको बताएंगे इसके बाद, ठीक है, जो जो ट्रिक जहाँ पे यूज़ होगी वो आपको मैं साथ साथ में बताता चलूँगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करते चलें। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, हाँ ऑप्शन ए सबसे इजी है, 28 या फिर 29 दिन। तो 28 या 29 दिन आपके होते हैं फरवरी में। जो 28 दिन का है वो आपका चलता है नॉर्मल ईयर में, और जो आपके 29 दिन हैं वो आपके चलते हैं एक लीप ईयर में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सबका आंसर एक्यूरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएं जल्दी से, इसका आंसर करें। जल्दी से इसका आंसर करें। एक लीप वर्ष में क्या होते हैं, 52 सप्ताह और 3 दिन, 365 दिन, 364 दिन या 52 सप्ताह और 2 दिन। नहीं, नेटवर्क का तो यहाँ पे इशू नहीं है, आप अपने वाले सिस्टम को एक बार चेक करें, यहाँ पे तो पूरा कनेक्शन है आज नेटवर्क का। हाँ, ऑप्शन सी के साथ आप जा रहे हैं। देखिए, लीप ईयर का मतलब है 366 दिन, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए गए इसमें दिन नहीं बताए गए, इसमें इसको हफ्तों में ब्रेक किया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको हफ्तों में यहाँ पे तोड़ देंगे। जो हमारा एक लीप ईयर है आप सभी को पता है टोटल कितने दिनों का होता है, 366 दिन का। मैं इसको क्या करूँगा, हफ्तों में तोड़ दूंगा, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 को मैंने यहाँ पे, 7 को मैंने 5 के साथ यहाँ पे किया, तो 7 पंजे होते हैं हमारे पास 35, 1 आ जाएगा और फिर 6। 2 से करेंगे, 7 का डबल 14 और रिमाइंडर बच जाएगा 2। इसका मतलब 366 दिनों में 52 हमारे हफ्ते हैं और 2 हमारे क्या बच जाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा,
बिल्कुल एक्यूरेट है आपका ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, उसके बाद थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपके लिए बनाए हैं आज। जल्दी से बताएं, एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? या आपको जो अभी मैंने हाथ का मेथड बताया था ऐसे क्रॉस चेक करने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आप यहां से बता सकते हैं कि कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं? जल्दी से आंसर करें आप, जल्दी से आंसर करें। सबसे पहला जो हमारा है जनवरी, जल्दी से आंसर करें कि कितने ऐसे महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। मैं यहाँ पे टोटल महीने लिख देता हूँ, जनवरी, फिर फरवरी है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद है जून, फिर है हमारे पास जुलाई, फिर है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे पास टोटल ये मंथ आ गए। जनवरी के आप सभी को पता है 31 दिन है, ये आप हाथ के थ्रू चेक कर सकते हैं। फरवरी 28 या फिर 29 की होती है, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का। तो सबसे पहला 30 दिनों का महीना तो आ गया अप्रैल, उसके बाद ये 31 का होता है, फिर ये 30 का होता है, उसके बाद जुलाई 31 का होता है, अगस्त फिर से 31 का, सितंबर हमारा 30 का, सितंबर हमारे पास तीसरा महीना आ गया 30 दिनों का, फिर ये 31 दिनों का, नवंबर हमारे पास है 30 दिनों का, और दिसंबर लास्ट में 31 दिनों का। तो टोटल कितने महीने हैं हमारे पास? एक अगस्त है, जून है, सितंबर है और नवंबर। तो टोटल 4 ऐसे महीने हैं जिसमें कितने दिन हैं? 30 30 दिन हैं। हाँ तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। माधुरी, 5 आंसर नहीं आएगा, 5 आंसर नहीं है। एक बार आप हाथ से इसको चेक करें, फरवरी नहीं होगा, आप इसको चेक करें। हाँ ऑप्शन बी जो है ये आपका सही होगा, आशीष कुमार, ऑप्शन सी नहीं आएगा। आप एक बार चेक करें इस चीज़ को, क्योंकि जो छोटे से छोटे क्वेश्चन हैं आपको उन्हीं में अपने जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल 101% आपको बनाने हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आप गलत करके आते हैं तो फिर जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं फिर तो आपको और ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे, अभी बिल्कुल सिंपल वाले हमारे क्वेश्चन चले हैं। इनमें से कौन सा एक लीप ईयर है, आप ये बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर क्या होता है, एक ऐसा साल जिसके लास्ट के 2 नंबर 4 से पूरी तरह कट जाते हैं, 4 से पूरी तरह जो है वो कट जाते हैं। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ठीक है। 82 चार के टेबल में नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, 78 भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। हमारा कौन सा आएगा? 04, ये 4 से कंप्लीट कट जाता है। तो 1704 जो है ये हमारा क्या है? लीप ईयर है, ये हमारा लीप ईयर है। हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आप सभी के, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आंसर बताएंगे। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? इस अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर, अधिवर्ष को हिंदी में लीप ईयर भी बोला जाता है। आप इस चीज को यहां पे एक बार लिख लें, अधिवर्ष जो है इसको लीप ईयर बोला जाता है, ठीक है। लीप ईयर में विषम दिन, विषम दिन का मतलब होता है कितने एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं, मतलब हफ्तों को छोड़ के कितने एक्स्ट्रा दिन बच जाते हैं। अभी हाँ अभी बताया था आपको, रजित का आंसर आ गया है 2। अभी बताया था कि जो हमारा लीप ईयर है, अधिवर्ष को लीप ईयर बोला जाता है, इसमें जो है वो आपके 366 दिन होते हैं, और विषम दिन का मतलब कितने ओड इसमें दिन जो वो बच जाते हैं। तो 366 दिन को जब मैं हफ्तों में ब्रेक करता हूँ, तो अभी आपने निकाला था 52 हफ्ते हमारे बनते हैं यहाँ पे, और प्लस 2 दिन हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो ये जो ओड है ये हमारे 2 दिन बच जाते हैं। तो ये इसका जो है वो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? ये आंसर बताते हैं चलें आप। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो आगे हैं।
इसी टाइप के क्वेश्चन आपके धीरे धीरे अपडेटेड होते जाएंगे एडवांस लेवल में। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन हमारे बनेंगे पजल की फॉर्मेशन में, बेसिक की फॉर्मेशन में, आपके जितने एग्जाम हैं रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी से आंसर बताएं। हाँ, तो आंसर आ गए हैं आपके वेडनेसडे, बुधवार, ऑप्शन सी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपको यहाँ पे बोला गया है कि 1 अक्टूबर जो है उसको रविवार है, 1 अक्टूबर का जो आपका दिन है कौन सा दिन है उस टाइम पे आपका रविवार है। और आपको बोला गया है कि 1 नवंबर को कौन सा दिन आएगा, मतलब पूरा एक हफ्ता आपने आगे जाना है। 1 अक्टूबर को अगर रविवार है तो सबसे पहले अक्टूबर में दिन कितने होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अक्टूबर में आपके 31 दिन होते हैं, ठीक है, जो आपके अक्टूबर हैं उसमें टोटल आपके दिन होते हैं 31 दिन, उसमें से 1 अक्टूबर आपका हो चुका है तो आपके अक्टूबर के कितने दिन बच गए, अक्टूबर के आपके दिन बच गए 30 दिन, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपको बैलेंसिंग यहाँ पे लिखनी है, अक्टूबर के आपके बच गए 30 दिन, और उसके बाद है आपका 1 नवंबर, आपको नवंबर तक जाना है तो आपका 1 यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि टोटल गैप कितने दिनों का आ गया, 31 दिनों का गैप आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हफ्तों में हमारे दिन जो हैं वो क्या नहीं होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, हफ्तों में हमारे दिन चेंज नहीं होते हैं। जब मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 28 दिनों का हफ्ता, मतलब 4 हफ्ते इसके बन गए, और उसके बाद हमारे कितने दिन बचेंगे यहाँ पे, 3 दिन और बच जाएंगे, प्लस के 3 दिन और बच जाएंगे। आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो अभी मैंने बताया था ब्रेकिंग मेथड, आपको इस 31 को ब्रेक करना है हफ्तों में। अब 31 के आसपास टोटल कितने हफ्ते बन जाते हैं, मतलब 28 दिनों का हफ्ता बन सकता है। 28 दिनों के कितने हफ्ते बनेंगे, 4 हफ्ते बनेंगे। आपको हर बार जो नंबर हैं वो आपको ब्रेक करने हैं या तो 7 में, या फिर 14 में, या फिर 21 में, या फिर 28 में। अब 31 के आसपास क्या है, 28 है, मतलब 28 कंप्लीट हो चुका है, और 7 में कितने दिन और हैं, 3 दिन और हैं। अब इस 28 के कितने हफ्ते बन गए, 4 हफ्ते। हफ्तों को हम काउंट नहीं करेंगे इसलिए 28 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 दिन। तो रविवार से 3 दिन आगे जाएंगे, सबसे पहले रविवार से 1 दिन आगे जाएंगे, सोमवार, मंगलवार और फिर बुधवार। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से, ये आपका कंपैरिजन का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करें आप सभी। आपको बोला गया है 1 अक्टूबर 2018 को गुरुवार है, गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, वीरवार, गुरुवार का मतलब होता है थर्सडे, वीरवार। देखिए आपको यहां पे एक चीज बताई गई है, 11 अक्टूबर 2018 को आपको दिन बताया गया है गुरुवार, ठीक है, थर्सडे, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले वीरवार। वीरवार आपको यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डेट कैलकुलेट करनी है 23 फरवरी 2019 को,
23 फरवरी 2019 की आपको यहाँ पे डेट कैलकुलेट करनी है, 23 फरवरी 2019 की आपको यहाँ पे डेट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला मेथड क्या था, आपको डेज कैलकुलेट करने, जितने भी बैलेंस के आपके डेट डेज हैं वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो जो हमारा अक्टूबर है वो हमारा 23। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले बैलेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगले क्वेश्चन जो आएंगे मैं उसमें आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन करके बता दूंगा। सबसे पहले अक्टूबर की बात करते हैं। आपको पता है अक्टूबर के टोटल कितने दिन होते हैं, अक्टूबर के टोटल कितने दिन हैं हमारे पास, 31 दिन होते हैं। अब अक्टूबर के 31 दिनों में से, अक्टूबर के 31 दिनों में से मेरे जो 11 दिन हैं वो हो चुके हैं, 11 दिन 11 अक्टूबर तक मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करना है। तो अक्टूबर के हमारे जो दिन बचे वो बच गए 20, ठीक है, अक्टूबर हो गया। उसके बाद नवंबर हमने कंप्लीट जाना है, नवंबर हमारा कितने का आएगा, 30 का आएगा। फिर हमारा दिसंबर आएगा, दिसंबर हमारा है 31 का, कंप्लीट जाएंगे। फिर अगला साल स्टार्ट हो गया, क्योंकि 2018 तो खत्म हो गया दिसंबर में, अब जनवरी आएगा, जनवरी के कितने दिन, 31 दिन। अब फरवरी के कहाँ तक जाना है, फरवरी हमारा 28 दिनों का होता है नॉर्मल ईयर में, लेकिन मेरे को जाना कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ 23 फरवरी तक मेरे को जाना है। आपको यहाँ पे क्या मेथड यूज करना है, या तो सभी को सम करके डिवाइड बाय 7 कर दो, एक मेथड तो ये है, और दूसरा आप इसको क्रिस क्रॉस मेथड से कटिंग करते चलो। आपको पेयर बनाने हैं 7 14, उसके बाद है आपके पास 21, और उसके बाद है आपके पास 28, ठीक है। आप इसमें इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। 20 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 20 दिनों का मतलब है कि 14 दिनों के तो 2 हफ्ते हो गए, हफ्तों को काट देंगे तो बचे कितने, 6 दिन बच गए। उसके बाद 30 में से 28 दिन हफ्तों में चले गए तो बैलेंस कितने का बचा, 2 दिन का बचा। 31 में से हमारे 28 दिन हफ्तों में चले गए, क्योंकि 28 दिनों का मतलब 4 हफ्ते, हफ्तों को आपने तोड़ते चलना है, तो यहाँ पे बच गए बैलेंस में 3 दिन। अब अगले 31 को भी तोड़ेंगे तो इसमें बैलेंस बन जाएगा 3 दिन। अब लास्ट में 23 है, ये जो 23 है, 23 किसके आसपास है, 21 के आसपास है। 21 दिनों का मतलब 3 हफ्ते, हफ्ते कट गए मतलब 3 दिन कट गए, सॉरी 23 में से 21 डेज का 3 हफ्ते बन गए, 21 दिन कट गए, तो 23 में से कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। अब आपको फिर से अगर यहाँ पे कोई पेयर बनाना तो आप बना सकते हैं, जैसे 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 दिनों का फिर से क्या बन गया, हफ्ता बन गया, तो फिर से हफ्ता क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। फिर ये बचे कितने, 6 और आपके पास 3 बचे, 6 और 3 कितने, 9 दिन, 9 दिनों का मतलब 7 दिनों का एक हफ्ता और प्लस 2 दिन, मतलब 7 दिन और 2 दिन, 7 दिनों का मतलब एक हफ्ता कट गया, तो बैलेंस कितना बचा, 2 बचा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 ऐड करना है, जो आपका वीरवार है उसमें आपको 2 दिन आगे लेके जाने हैं, तो वीरवार में 2 दिन आगे जाएंगे, एक शुक्रवार और एक आपका शनिवार। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, हाँ बिल्कुल सभी के बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन जल्दी से आप करेंगे, जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलेंडर के क्वेश्चन में गलती होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो आपके डेज हैं हम उनको कई बार मिस कर जाते हैं, ये लीप ईयर के केस में कोई ना कोई एक मिस्टेक होने का जो वो सबसे ज़्यादा चांस होता है। जल्दी से बताएं आप, आज आपका पूरा कैलेंडर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट आज आपको करवाया जाएगा। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, आपको यहाँ पे क्या चीज बोली गई है, मैं आपको मेथड बता देता हूँ, आप सॉल्व करते रहें। आपको बोला गया है 22 फरवरी 2002, 2002 को जो है वो आपका कौन सा दिन है, शुक्रवार है, ठीक है, कौन सा दिन है, शुक्रवार है।
अब आपको कहाँ तक जाना है, 2008 तक जाना है। तो मैंने आपको एक चीज़ अभी बताई थी जो आपकी ट्रिक है कि जब भी हम पूरा एक साल आगे जाते हैं तो हमारा एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 22 फरवरी 2002 से सबसे पहले मैं जाऊँगा 22 फरवरी 2003 तक। मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले 22 फरवरी 2003 तक, 2003 तक। तो 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, तो जैसे एक साल आगे जाऊंगा तो शुक्रवार से कौन सा दिन आ जाएगा, सबसे पहले शनिवार आ जाएगा। उसके बाद शनिवार से 2003 से मैं जाऊंगा 22 फरवरी 2004 तक, 2004 तक जाऊंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा 22 फरवरी 2005, उसके बाद वैसे ही 22 फरवरी 2006, उसके बाद है आपके पास 22 फरवरी 2007, और उसके बाद आपको जाना है लास्ट में 22 फरवरी 2008 तक। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। और 22 फरवरी 2008 के बाद हम जाएंगे 15 मार्च 2008 तक, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, पूरा एक साल आगे गया, 2000 से 2003 में जाएंगे तो शुक्रवार से एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, शनिवार हो जाएगा। फिर 2003 से जब मैं 2004 में जाऊंगा, 2003 से जब मैं 2000 जब 2003 से जब मैं 2004 में जाऊंगा, तो 2004 जो है वो है मेरा एक लीप ईयर है। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो फरवरी है वो 29 तक नहीं पहुँचे हैं, इसलिए नॉर्मल ईयर की तरह बिहेव करेगा। तो 22 फरवरी 2004 को मेरा एक दिन आगे बढ़ जाएगा, शनिवार से रविवार आ जाएगा। फिर 22 फरवरी 2004 से जब मैं 2005 में जाऊँगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 29 फरवरी अभी आएगा। 2004 मेरा एक लीप ईयर है और यहाँ पे 29 फरवरी मेरा आना है, इसलिए लीप ईयर के केस में हमेशा 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो 2005 में यहाँ पे सोमवार के बजाय जो है वो आपका मंगलवार आएगा, 2 दिन आपको आगे बढ़ाने, क्योंकि यहाँ पे हमारी फरवरी अभी आएगी, मंगलवार आ गया। उसके बाद 22 फरवरी 2006 को जाएंगे, एक साल आगे बढ़ गए, एक दिन आगे बढ़ा देंगे, बुधवार। फिर अगला आ जाएगा वीरवार, और 22 फरवरी 2008 को आ जाएगा हमारे पास शुक्रवार, ठीक है। यहां तक तो हम पहुंच गए, हमें यहां तक ये पता चल गया कि 22 फरवरी 2008 को हमारा कौन सा दिन है, शुक्रवार है। 22 फरवरी 2008 को हमारा शुक्रवार है। अब आपको कहाँ तक जाना है, अब आपको जाना है 15 मार्च तक। तो जैसे फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया था, इसी की तरह हम इसको करते चलेंगे। फरवरी हमारा 2008 है, 8, 2008 का मतलब लीप ईयर, मतलब फरवरी कितने की होगी, 29 की। 29 दिनों में से 22 दिन फरवरी के हो चुके हैं, तो कितने दिन हमारे बचेंगे, 7 दिन, फरवरी के 7 दिन बच गए। और अगला महीना मार्च का है, तो मार्च हमारा कितने का, 15 दिनों का, ठीक है। 15 मार्च तक हमने जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हफ्ते में तोड़ लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, हफ्ते में तोड़ लूँगा, तो 7 दिनों का तो हफ्ता, ये तो पूरे कट गए। 15 दिनों को अगर मैं तोड़ता हूँ, 15 दिनों के 2 हफ्ते बन जाते हैं, क्योंकि 15 दिन टूटता किस में, 15 दिन टूटेगा 14 दिन और प्लस 1 दिन। ये जो 14 दिन है इसका मतलब ये हफ्ते हैं, 2 हफ्ते हैं। हफ्तों को हम काउंट नहीं करते हैं, तो लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपको एक दिन आगे बढ़ाना है। तो अगर 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, तो आपको एक दिन आगे जाना है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, शनिवार आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही है आप सभी के आंसर। जल्दी से अगला आंसर भी आप बताएं। जल्दी से आंसर करें आप सभी। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच कुल कितने दिन होंगे। आपको 26 जनवरी और 15 मई दोनों को काउंट करना है, दोनों दिनों को आपको काउंट करना है, आपको टोटल डेज बताने हैं। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए ये। 26 जनवरी 2008 से 15 मई तक आपको जाना है, आपको टोटल डेज बताने हैं। आपको 26 जनवरी और 2008 सॉरी 15 मई दोनों कैलकुलेट, दोनों काउंट करने हैं आपको।
आप सभी को यहाँ पे पता है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 26 को हमने काउंट करना है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो जनवरी के 6 दिन हो गए। उसके बाद फरवरी के सारे दिन आपको काउंट करने, 2008 एक हमारा लीप ईयर है, फरवरी 29 दिनों का। उसके बाद मार्च हमारा 31 का, अप्रैल 30 का, उसके बाद अप्रैल और मई, मई के कहाँ तक जाना है मेरे को, 15 तक जाना है। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 111, 110 आंसर नहीं है नितिन कटोच, ऑप्शन ए आंसर नहीं है अमित पहाड़िया, ये आपको, हाँ अमित पहाड़िया आपका आंसर एक्यूरेट है, 110 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला गया है ये जो 26 जनवरी है इसको भी काउंट करना है, आपको यहाँ पे बोला गया है सम्मिलित करना है, मतलब इसको काउंट करना है। अगर मैं जनवरी की बात करूँ, 26 के बाद आपका आएगा 27, फिर आएगा 28, फिर आएगा 29, फिर आएगा 30, और फिर लास्ट दिन है जनवरी का 31। तो अब टोटल दिन को आप काउंट करें, 26 को काउंट करना है, एक दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो आपके जनवरी के 6 दिन होंगे। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 111 आंसर आएगा, तो 111 जो आपके दिन हैं वो आपके टोटल होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से, आप जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार है, तो आपको यहां पर पूछा गया है कि 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन आएगा, जल्दी से आंसर करें। आप यहां पे सबसे पहले 82 से 83 में जाएंगे, ठीक है, 17 दिसंबर ही आपको लेके चलना है, क्योंकि एक साल जब भी आगे जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है। 17 दिसंबर 1983 में जाएंगे, और उसके बाद आपको जाना है 17 दिसंबर 1984 को, 17 दिसंबर 1984 को आपको जाना है, ठीक है, एक एक का गैप हम लेते चलेंगे। देखिए, शनिवार से 1982 से 83 में जाएंगे, एक एक साल आगे बढ़ेगा, तो शनिवार से कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। फिर 1983 से 1984 में जाएंगे, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो 84 है ये हमारा लीप ईयर है, और इसमें हमारी फरवरी भी आएगी, जो हमारा 1984 है इसमें 29 फरवरी जो है वो आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई से आपको कहाँ तक जाना है, दिसंबर तक जाना है, तो इसमें जो फरवरी, तो यहाँ पे मंगलवार हमारे पास आ गया, रविवार से हम 2 दिन आगे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है यहाँ पे बनेगा, तो मंगलवार आ जाएगा, और 17 दिसंबर 1984 को मंगलवार है, तो 22 दिसंबर को आपको बताना है, तो आपको 17 का पता है, फिर आपको 22 तक जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 19, फिर आ जाएगा 20, फिर है 21, उसके बाद है यहाँ पे 22। आपको 17 को पता है मंगलवार है, तो ये बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो आप सभी का आंसर जो है वो रविवार आना चाहिए। हाँ, आंसर ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा, रविवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से, ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से करें आप इस क्वेश्चन को, ये आपका रिवर्स की फॉर्मेशन में रहेगा, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर बताना है, आप एक बार खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को, आपका रिवर्स की फॉर्मेशन में बनेगा। सबसे पहले 1 जुलाई 1997 को आपको गिवन है, 77 को आपको गिवन है, आपने उसके बाद जाना है 76 में, आपको पीछे जाना है, और 76 के बाद आपने जाना है 75 में, और आप चलते जाएंगे 1970 में। जल्दी से आंसर करें कि क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी से आंसर करें क्या आंसर इसका बनेगा। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है ये,
मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। रजित का आंसर आया है ऑप्शन ए, बुधवार। हाँ, बुधवार जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन ए बुधवार जो है वो इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें, जो आपको अभी मेथड बताया गया है, एक एक साल का गैप लेकर, अगर इसमें कोई लीप ईयर बनता है वहाँ पे आपको 2 दिन कम करने हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी हम 1 साल पीछे जाते हैं तो दिन हमारा आगे नहीं जाएगा, वो भी हमारा पीछे जाएगा। अगर 1 साल पीछे जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2020 से 21 में जब मैं जाऊँगा, अगर यहाँ पे मेरे पास रविवार है तो यहाँ पे 1 दिन आगे जाएंगे, सोमवार आएगा। लेकिन जब रिवर्स की बात की गई है, 1977 से आपको जब 76 में जाना है, तो यहाँ पे जब आप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रविवार है, तो रविवार से पीछे ही आप जाएंगे, तो शनिवार में आपको जाना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 17 मार्च 1980 को सोमवार है, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? आपको डे कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे सारे के सारे। सेम ईयर की बात की गई है, मार्च टोटल 31 का होता है, तो 31 में से 17 दिन तो हमारे मार्च के हो चुके हैं, तो कितने दिन बच जाएंगे? फोर्टीन डेज हमारे मार्च के बच गए हैं, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद हमारा है मई, उसके बाद है हमारे पास जून, और हमने जाना है जुलाई तक, और हम जाएंगे यहाँ पे जुलाई तक। कहाँ तक जाना है? 12 जुलाई तक हमने जाना है। आप टोटल इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर यहीं पे कटिंग करनी है तो यहाँ पर भी आप कटिंग कर सकते हैं। टोटल ऐड, मैं दोनों आपको मेथड बता देता हूँ, जो आपका फर्स्ट मेथड है, टोटल डेज को हम ऐड करेंगे, तो इन सभी को ऐड करने पे हमारे पास आएगा 117। दूसरा स्टेप है, आप इसको 7 से डिवाइड कर लें, हफ्तों में तोड़ दें, हफ्तों में तोड़ने के बाद आपको रिमाइंडर बचेगा 5, और इस मेथड से भी आपका 5 ही रिमाइंडर बचना चाहिए, जो मैं आपको सेकंड आंसर यहाँ पे लगाऊं बताने। यहाँ पे 14 डेज का मतलब कि हफ्ते, 14 दिनों का मतलब होता है 2 हफ्ते, हफ्ते पूरे कट जाएंगे। 30 दिनों का मतलब है 28 दिन, जो कि 4 हफ्ते हैं, 28 दिन कट गए तो बचे 2 दिन। 31 में से 28 दिन हफ्तों में चले गए तो बचे 3 दिन। 30 दिन के 28 दिन हफ्तों में चले गए तो बच गए 2 दिन, और 12 एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 और 2 फिर से कितने दिन बन गए? 14 दिन बन गए, तो इसका मतलब हफ्तों में टूट गए, और बचे कितने? 2 और 3 5, तो आपको सिर्फ 5 दिन आगे जाना है, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, शनिवार, बिल्कुल सही आंसर आप सभी के। जल्दी से अगला क्वेश्चन भी बताएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया, तो 1996 का प्रथम दिन कौन सा था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। आपको बोला गया है कि 15 अगस्त 1996 को जो है वो आपका वीरवार है, 15 अगस्त 1996 को आपका वीरवार है, तो पहला दिन मतलब उसी साल का 1 जनवरी, जो आपका 1 जनवरी है 1996 का, वो किस दिन होगा? ये चीज आपसे यहां पे पूछी गई है, जल्दी से आंसर करें इसका। रिवर्स में आपको जाना है, फिर से आपको टोटल दिन ही कैलकुलेट करने हैं, आपको रिवर्स में जाना है, अगस्त के 15 दिन आपको कैलकुलेट करने हैं, सॉरी 15 नहीं, आपके अगस्त के यहाँ पे आपको रिवर्स में जाना, तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगस्त का 15वां दिन तो चला है, अगस्त का 15वां दिन चला, आपको पीछे जाना, तो आपके पेंडिंग डेज कितने बचेंगे अगस्त के? 14 दिन आपके पेंडिंग बच गए। उसके बाद
अगस्त से पीछे हमारा कौन सा मंथ है? जुलाई। जुलाई के आपके कितने दिन? 31 दिन। 31 दिन के बाद आपके फिर से 30 दिन, उसके बाद फिर से 31, उसके बाद 30 दिन, उसके बाद 31 दिन। ये आपका अगस्त, उससे पीछे आ जाएगा आपका जुलाई, ये आपका जून, उससे पीछे है आपका मई, अप्रैल और मार्च, और उससे पीछे आपका आएगा फरवरी। 1996 आपका एक लीप ईयर है, तो फरवरी आपके 29 दिनों का और जनवरी के आपने 1 तारीख तक जाना है, इसका मतलब 31 दिन आपको कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप क्रॉस चेक करते हैं, कटिंग का मेथड यूज़ करते हैं, तब भी आंसर आएगा, अगर ऐड करते हैं तब भी आंसर आएगा। ऐड करके 227 आएगा, डिवाइड बाय 7 कर देंगे, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, 3 दिन आपका रिमाइंडर यहाँ पे बचना चाहिए। फ्राइडे आंसर नहीं है अनुपम, फ्राइडे आंसर नहीं आएगा। सौरभ मेहरा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी आंसर नहीं आएगा, मंगलवार कैसे आएगा? आप इसको एक बार चेक करें, 14 जो आपके कंप्लीट कट जाएंगे, 31 के आपके बच जाएंगे 3 दिन, 30 के आपके बच जाएंगे 2 दिन, 31 के आपके बच जाएंगे 3 दिन, उसके बाद 30 के फिर से आपके 2 दिन बच जाएंगे, 31 के आपके 3 दिन बचेंगे, 29 जो हैं वो आपके 28 दिन हफ्तों में चले गए, 1 दिन बच जाएगा, और 31 के बाद फिर से कितने दिन बचेंगे? 3 दिन बचेंगे। फिर से आप इसको हफ्तों में तोड़ें, 3 और 2 5, 5 और 2 7, हफ्ते कट गए, उसके बाद 3 और 3 6, 6 और 1 7, फिर से एक हफ्ता बन गया, कट गया, लास्ट में कितने बचे? 3, और यहाँ पर भी कितने बचे थे? 3 बचे थे। लेकिन अब आपको ये जो 3 दिन है ये ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो आपको 3 दिन माइनस करने हैं। तो वीरवार से 3 दिन पीछे जाएंगे, पहला दिन बुधवार आएगा 1 दिन पीछे करके, फिर मंगलवार आएगा, फिर सोमवार आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, मंडे, ऑप्शन सी आएगा मंडे। जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। जल्दी से आंसर करें। अधिवर्ष को छोड़ के किसी साल का पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा? अधिवर्ष मैंने आपको बताया था, लीप ईयर मतलब लीप ईयर को छोड़ के, मतलब यहां पे आपसे बात की गई है सामान्य साल की, सामान्य साल की बात की गई है। यदि एक सामान्य साल का पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं, अंतिम दिन क्या होगा? हाँ, ऑप्शन डी आदित्य, हाँ ऑप्शन डी आएगा, सारांश ऑप्शन ए कैसे आएगा? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी एक नॉर्मल ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, अधिवर्ष को छोड़ के, मतलब लीप ईयर को छोड़ के, लीप ईयर को छोड़ के मतलब किसकी बात की गई है? सामान्य साल की बात की गई है। इसका मतलब कौन से ईयर की बात की गई है? नॉर्मल ईयर की बात की गई है। तो किसी एक पहले साल का, अगर जो दिन हमारा 1 जनवरी को होगा, वही सेम दिन हमारा उसी साल के लास्ट दिन को होगा, 31 दिसंबर को होगा। तो अगर पहला दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन भी हमारा क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें। यदि फरवरी 2022 का अंतिम दिन बुधवार था, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा? यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बात एक्चुअल में बोली क्या गई है, अंतिम दिन का मतलब क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि 2012 का जो फरवरी है उसका अंतिम दिन, फरवरी का अंतिम दिन कौन सा होता है? 28 या 29। 2012 आपका लीप ईयर है, इसलिए आपको बोला गया है 29 फरवरी, 29 फरवरी 2012। 29 फरवरी 2012 को कौन सा दिन है हमारा? बुधवार है। ठीक है, बुधवार है। तो आपसे बोला गया कि फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा, इसका मतलब है कि आपसे 2011 का जो फरवरी है
उसका अंतिम दिन पूछा गया है। अब 2011 एक लीप ईयर नहीं है, मतलब आपसे 28 फरवरी पूछा गया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या आंसर आएगा इसका? पीछे जा रहे हैं हम, लीप ईयर से पीछे जाएंगे तो दो दिन पीछे जाना, हमने दो दिन पीछे जाएंगे तो ऑप्शन बी सोमवार हमारा एक्यूरेट आ जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी से 29 फरवरी तो जा नहीं सकते, 28 तक ही जाएंगे, क्योंकि 2011 में 29 तो होता नहीं है। तो जब एक साल हम पीछे जाएंगे तो लीप ईयर के केस में दो दिन हम जाते हैं, या तो फॉरवर्ड में या फिर बैकवर्ड में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सोमवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। शशि कुमार ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं। आपको बोला गया है 2 जुलाई 1985 को बुधवार है, तो 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा? एक साल हम पीछे जा रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक साल हम यहाँ पर पीछे जा रहे हैं। तो जब भी एक साल पीछे जाएंगे वो आपको देखना है लीप ईयर है या नहीं है, लीप ईयर है या नहीं है। अब जो हमारा 2 जुलाई है, ऑप्शन सी सोमवार तो नहीं आएगा, ऑप्शन सी कैसे आएगा सोमवार नहीं आएगा? आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया है 2 जुलाई जो है 1985 को आपका बुधवार यहाँ पे बताया गया है, वेडनेसडे, और आपसे बोला गया है 2 जुलाई 1984। अब आप जब इसमें रिवर्स में आएंगे तो आपको एक चीज़ पता ये करनी है कि यहाँ पे कोई लीप ईयर तो नहीं है। अब लीप ईयर है, 84 जो है वो हमारा लीप ईयर है, उसमें दो दिन हमारे पीछे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर फरवरी तो आएगा ही नहीं, फरवरी तो हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि हम रिवर्स में जाएंगे। जब हम 1985 का जब जनवरी आ जाएगा, मतलब रिवर्स में जब हम जा रहे हैं, तो 2 जुलाई 1984 है उसका फरवरी अभी तक नहीं आएगा, इसलिए हम एक दिन ही पीछे जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मंगलवार आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आंसर करें। मैं आपको यहां पे इसका आंसर बता देता हूं, मेथड आप खुद सॉल्व करेंगे। 1 फरवरी इजी क्वेश्चन है ये तो आपके लिए, सेम ईयर की बात की गई है, 1996 और 1996 सेम ईयर। 1996 हमारा लीप ईयर होता है, तो फरवरी हमारा कितने दिनों का होगा? एक, अच्छा फ्राइडे आप यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर कैसे आपने निकाला यहाँ पर, ठीक है। 1996 में जो फरवरी है आपकी लीप ईयर की है, तो फरवरी 29 दिनों की होगी, 1 फरवरी आपका हो चुका है, तो इस 29 के आपके कितने दिन बचे? 28 दिन बचे।
और मार्च के कहाँ तक जाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों तक जाना है। मार्च के कहाँ तक जाना, 3 दिनों तक। अब 28 दिन हमारे हफ्ते में कट गए, अब बचे कितने, 3 दिन। आपने 3 दिन सिर्फ आगे जाना है, तो बुधवार से 3 दिन आगे चले जाएंगे, बुधवार से वीरवार, उसके बाद है आपका शुक्रवार, और उसके बाद आएगा शनिवार। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर आएगा, सचिन, सचिन पांजला। ऑप्शन बी नहीं आएगा आंसर, ऑप्शन सी आएगा, शनिवार। ध्यान से करें क्वेश्चंस को। अच्छा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने बताना है, जो मैंने कंपैरिजन और विदाउट कंपैरिजन का आपको वहाँ पे बताया था, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको कंपैरिजन कुछ नहीं बताया गया, डायरेक्ट आपको क्या पूछी गई है, यहाँ पे डेट पूछी गई है। मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। सबसे पहले आपको सिंपली 4 कोड आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सिंपली 4 कोड आपको ध्यान में रखने हैं, जो हमारे शताब्दी के कोड आते हैं। सबसे पहला हमारा है 1700। इसमें आपकी कोई भी आपका फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से यूज़ करेंगे, फिनोमिना से। यहाँ पे मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। इसका एक और आंसर, सॉरी एक क्वेश्चन इसका और आएगा, वो आपको खुद सॉल्व करना है। आपको सिर्फ 4 कोड याद करने हैं। 1700 का कोड होता है 5, 1800 का कोड होता है 3, 1900 का कोड है आपके लिए 1, और 2000 का कोड है आपके लिए 0। ये आपकी सीरीज रिपीट होती रहती है। ये शताब्दी का मतलब है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि 1760, तो 1760 का मतलब है शताब्दी कौन सी है, 1700 की है। अगर मैं बात करता हूँ कि हम कब आज़ाद हुए थे, 1947 को, तो शताब्दी कौन सी है, ये जो स्टार्टिंग के 2 अक्षर हैं ये आपको शताब्दी बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे मेथड बता देता हूँ कि आपने कैसे कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के करने हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कोई भी इसमें फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फिनोमिना से फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, आपको इस चीज़ को ब्रेक करना है। आपको यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है, आपको बोला गया है 25 जनवरी 1948 को आपको डे बताना है कि कौन सा डे आएगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखें, उसके बाद आज का आप दिन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड से। 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन है, सबसे पहले आप देखें 1948, ये जो स्टार्टिंग के 2 अक्षर हैं इसका मतलब है 1900 की शताब्दी चली है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। प्लस ये जो 48 है, ये 48 आपको बता रहा है कि मेरा 1948वां साल चला है, ये अभी चला, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 1948 से पहले जो साल है, मतलब 47 साल जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी कौन सा ईयर चला हमारा, 48 ईयर चला है, 1948 ईयर चला, और उसके हम कहाँ तक पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 जनवरी तक हम पहुँचे हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं, 25 जनवरी तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आज की डेट में यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैंने लिखा 19 जनवरी 2022, तो ये स्टार्टिंग के जो 2 अक्षर हैं ये 20, इसका मतलब कि 2000 की शताब्दी चली है। प्लस ये जो 22 लिखा है लास्ट में, इसका मतलब 2022 ये साल चला है, लेकिन 22 से पीछे क्या है, 21, 21 साल पूरे हो चुके हैं, और 22वें साल का सिर्फ और सिर्फ अभी हमने कितना क्रॉस किया है, यहाँ पर 19 जनवरी ही क्रॉस किया है। कितना क्रॉस किया हमने यहाँ तक, 19 जनवरी ही क्रॉस किया है। अब मेथड क्या है आपका, यहाँ पे 1900 का आपको कोड लिखना है। 1900 का कोड क्या है आपका, यहाँ पे 1, वो आपको लिख दिया। उसके बाद आपके जो 47 है, जो आपके एयर हैं, आपने इसको 2 बार लिखना है। ये आपका फिनोमिना है, आपको याद करना है ये कि आपने कैसे कैसे इसका पैटर्न को फॉलो किया। जो आपके साल हैं 47 ईयर जो हैं, 47 साल जो हैं, आपने इसको 2 बार लिखना है। जो आपने 2 बार लिखा है उसमें से एक को 7 से भाग करना है और एक को 4 से भाग करना है।
ये आपका एक्स्ट्रा डे और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है, बस यही आपको मेथड यूज करना है, बाकी इसका कोई भी आपको एक्स्ट्रा मेथड यूज नहीं करना है, सिर्फ यही ब्रेकिंग मेथड है जहां से आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के लिए हमारा कॉन्सेप्ट किया जाता है, सबसे पहले एक आपका एज इट इज लिखा जाएगा, उसके बाद जब आपने 47 को 7 से डिवाइड करना है, जब आपने इस 47 को 7 से डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है रिमाइंडर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आपने 47 को 7 से डिवाइड कर दिया 6 बार कट जाएगा 42 और रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 5। जब आपने इस 47 को 7 से डिवाइड करना है तो आपको रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कितनी बार कंप्लीट कटा, मतलब कितनी बार इसको कंप्लीट काट दिया। अब 11 को 4 से करते हैं तो 44, 12 को 4 से करते हैं 48, तो 11 बार पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर बच गया 3। आपको ध्यान रखना जब 4 से कटिंग कर रहे हैं तो आपको लिखना है कितनी बार कंप्लीट कटा, और जब 7 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि रिमाइंडर कितना आया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जब 4 से मैंने 47 को कट किया तो कितनी बार चला गया, ये 11 बार पूरी तरह कट गया, और कहाँ तक जाना है मैंने, 25 जनवरी तक मैंने जाना है। अब टोटल या तो ऐड कर लो या डिवाइड करने हैं 7 के पेयर से, तो वैसे कर लो 1 प्लस 5 प्लस 11 को ब्रेक कर देंगे, 11 को हफ्तों में तोड़ देंगे, तो 7 दिन टूट गए और बचे कितने और दिन, 4 दिन और बच गए। इस 11 को मैंने तोड़ दिया है, ठीक है, 11 का मैंने तोड़ के लिखा 7 दिन और 4 दिन, अब 7 दिनों का क्या बन गया, हफ्ता, तो काट देंगे। अब बचे 25, 25 को ब्रेक करेंगे 21 दिन और प्लस के 4 दिन, अब 21 दिनों का फिर से क्या बन गया, हफ्ता, तो इसको भी हम कट कर देंगे। अब ऐड करना आपको ये 1 और 5 कितने, 6 और 4 10 और 10 और 4 14, तो 14 का मतलब है कि हफ्ते, तो फिर से कट गए तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितना बचा, 0 बचा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कुछ कोड हैं जो आपको याद करने हैं, कोड नहीं आप, मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, आपको सिर्फ नेम याद करने हैं, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर से स्टार्टिंग में है संडे। संडे से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और यहाँ पे आता है 7। अगर आपका रिमाइंडर इन नंबर के बीच में अगर फिट हो रहा है, आपका रिमाइंडर 0 से 7 के बीच ही आएगा, ये तो कन्फर्म है, 7 से आगे आपका रिमाइंडर नहीं जाएगा। अगर आपका 0 रिमाइंडर आया तो 0 देखो किसका कोड है, संडे का कोड है, तो आपका 25 जनवरी 1948 को कौन सा डे आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, संडे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा यहाँ पर, हो रहा है क्लियर आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एक बार आप इसको भी देख लें, मेरे को तो पता है और आपको भी ये पता है कि 19 जनवरी 2022 मतलब आज का जो दिन है वो कौन सा है, बुधवार है, बट इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है, तो आपको और अच्छे से समझ हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इस चीज़ को ब्रेक किया, 19 जनवरी 2022 को मैंने तोड़ना है, ये जो 20 लिखा है इसका मतलब 2000 की शताब्दी चली है, 2022 का भी मेरा साल चला है, लेकिन 21 साल पूरे हो चुके हैं और 2022 का सिर्फ कितना हुआ है, 19 जनवरी हुआ है। अब 2000 का कोड कितना है आप एक बार देखें, 2000 का कोड कितना है, 0। हमें रिपीट कर रहा हूँ, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, 2000 का कोड कितना है, 0। उसके बाद मैंने बोला जो साल है आपके पास, ये जो 21 साल है, आपने इस चीज़ को 2 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 2 बार, एक को 7 से भाग करना है, एक को 4 से भाग करना है, ये आपका मेथड है, ये मेथड आपको ध्यान में रखना है, ये आपका मेथड है, एक को 7 से भाग करना है, एक को 4 से, 0 तो होगा नहीं क्योंकि 0 का तो 0 ही है। अब 7 से जब हमने 21 को भाग किया तो मैंने आपको बोला था रिमाइंडर लिखना है, अब मैं क्या करूँगा, इस 7 को, इस 21 को 7 से भाग कर दूंगा। अब 7 से जब किया तो 7 ने इसको पूरी तरह से काट दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0।
तो रिमाइंडर आ गया जीरो, मैंने रिमाइंडर लिखना है। अब चार से जब मैं इसको काटूंगा तो मैंने बोला था मैंने क्या लिखना है, जितनी बार कंप्लीट कटा। अब चार से काटूंगा तो पांच से पूरी तरह कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, रिमाइंडर वन बचेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि जब चार से काटना है तब आपको लिखना है कितनी बार कंप्लीट कटा, तो कितनी बार कटा, ये पांच बार कंप्लीट कट गया। उसके बाद कहाँ तक जाएंगे, 19 जनवरी तक जाएंगे, 19 जनवरी हमारे पास है, 19 और 5 कितने हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, 19 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास 24। अब 24 को तोड़ेंगे, 24 का मतलब 21 दिन, मतलब हफ्तों में टूटे और बचे कितने, 3 दिन, हफ्ते तो हमारे कट जाएंगे, लास्ट में आंसर कितना आया 3, और 3 किसका कोड है ये आप देख सकते हैं, 3 जो है वो किसका कोड है, बैडनेस डे। तो इसका मतलब कि आज का दिन कौन सा हमारे पास, बुधवार है। ये चीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको, एक बार बताएं, रिप्लाई करें आप जरूर। लास्ट आपका मेथड था ये कैलेंडर का, टॉपिक खत्म होने वाला आपका ये, एक बार आप जरूर बताएं कि क्या समझ आया है आपको या नहीं आया है, नहीं तो एक क्वेश्चन फिर से मैं आपको रिपीट करवा के बता दूंगा। जल्दी से आंसर बताएं, हाँ ठीक है, अंकित चौधरी, रिया, पायल, अभिषेक, हाँ एक बार आप वीडियो को ज़रूर एक बार रेपिटिशन की फॉर्म में देखें, जो भी आपके डाउट हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेशन हमारा ख़त्म होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन इसके लास्ट के बचे हैं, और उसके बाद आपको एक टेस्ट के लिए भी बोला गया है, तो 3 या 4 दिनों के बाद आपका एक टेस्ट भी होना है रीजनिंग का, मिक्स क्वेश्चन का। अच्छा मोहित राणा, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देंगे, अभी करवा देंगे आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जो भी आगे आएगा स्लाइड में वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में किसी एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पजल की फॉर्मेशन में, आपको दिन नहीं बताया गया यहाँ पे, आपको बोला गया है कि एक लड़की है और उसका नाम है सीता, उसने क्या किया 2017 में और मंथ आपको बताया गया है दिसंबर, 2017 में दिसंबर के महीने में उसका जन्मदिन होता है, लेकिन किस तारीख को होता है वो चीज़ नहीं बताई, लेकिन आपको ये बोला गया है कि उस दिन कौन सा दिन था, बुधवार था, कौन सा डे था उस दिन, बुधवार था, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी तारीख हो सकती है वो। हाँ जैसे अभी क्वेश्चन किया था, जो अभी क्वेश्चन किया मैंने आपको, पिछला जो क्वेश्चन समझाया उसी से इसको कैलकुलेट करेंगे। उसी से कैलकुलेट करना है आपको ये। आप इसको रफली क्या करें, 1 दिसंबर 2017 की डेट निकाल लो सबसे पहले, 1 सितंबर 2017 का आप दिन निकाल लें, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, आपको बुधवार तक जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एक डेट निकाल लो जो भी आपके दिमाग में आती हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, 1 दिसंबर 2017 जो आपके पिछले अगर कोई डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 1 दिसंबर 2017 का दिन निकाल लेता हूँ मैं, उसके बाद जो भी ऑप्शन के साथ मैच करेगा वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1 दिसंबर 2017 का दिन निकाल लेते हैं। अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पे 2000 की शताब्दी चली है, ये चीज़ आपको पता है 2000 की शताब्दी चली है, उसके बाद ये 70वां हमारा साल चला है, इसका मतलब है कि 16 साल हमारे पूरे हो चुके हैं, और 70वें साल का अभी तक कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर हुआ है। 70वें साल का कितना हुआ है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर हुआ है। तो 2000 का कोड कितना, जैसे पिछला पैटर्न था वैसे ही हम यूज़ करेंगे, 2000 का कोड है 0, उसके बाद जो आपके साल हैं आप उसको दो बार लिखेंगे, 16 और +16, किसी एक साल को 7 से डिवाइड करेंगे, दूसरे को 4 से डिवाइड करेंगे, और लास्ट में कहाँ तक जाना है आपने, 1 दिसंबर तक जाना है। अब 0 तो हम काउंट नहीं करेंगे, 7 से जब 16 को काटना है तो आपने क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। तो जब मैं इसको 16 को 7 से डिवाइड करता हूँ,
तो आपको पता है दो से पूरी तरह कट जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। और जब मैं इसे 4 को 16 से काटूंगा तो ये पूरा कंप्लीट कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ तक जाना है? 1 दिसंबर तक जाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें तो सिर्फ 19 जनवरी था, तो डायरेक्ट 19 लिख दिया था, लेकिन इसमें 1 दिसंबर तक जाना है, मतलब 2017 है जो हमारा साल चला है उसके कहाँ तक जाना है? 1 दिसंबर तक जाना है। तो आपको जनवरी से स्टार्ट करना है। जनवरी कितने दिनों की है आपकी? 31 दिनों की। उसके बाद फरवरी, 2017 लीप ईयर नहीं होता है, तो फरवरी कितने दिनों की? 28 दिनों की। उसके बाद मार्च, उसके बाद है आपका अप्रैल, उसके बाद है आपका मई, उसके बाद है आपका जून, फिर है आपका जुलाई, उसके बाद है अगस्त, उसके बाद है आपके पास सितंबर, उसके बाद है अक्टूबर, उसके बाद है नवंबर, और उसके बाद आता है दिसंबर। और दिसंबर के आपको कहाँ तक जाना है? सिर्फ और सिर्फ 1 दिसंबर तक। तो दिसंबर का सिर्फ 1 दिन काउंट करेंगे। अब आपको इसको हफ्तों में तोड़ना है, हफ्तों में तोड़ देंगे तो 2 और 4 कितने? 6, 6 और 1 ये लास्ट में है 1, ये 7 दिन बन गए, तो इसका तो 0 बन गया। अब ऐसे 31 को तोड़ेंगे, 31 को तोड़ के रिमाइंडर कितने का बचेगा? 3 दिन बचेंगे, क्योंकि 28 दिनों का हफ्ते में चले गए, 28 के 28 पूरे कट जाएंगे। 31 फिर से टूट जाएगा 3 दिनों में, 30 टूट जाएगा हमारा 2 दिनों में, उसके बाद 31 टूट जाएगा हमारा 3 दिनों में, उसके बाद फिर से 30 टूटेगा 2 दिनों में, फिर 31 और 31 ये टूटेंगे 3 और 3 दिनों में, उसके बाद है 30, 31 और 30, 30 टूटेगा 2 दिनों में, 31 3 दिनों में, और फिर से 30 2 दिनों में। अब यहाँ पे फिर से आप पेयर बना सकते हैं, 2 और 3 5, 5 और 2 7, हफ्ते बन गए तो कट गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बन सकता है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, कट गए हफ्ते बन गए। उसके लास्ट में बचा है 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, आपके पास टोटल 12 दिन बच गए। आप इसको भी हफ्तों में तोड़ेंगे, 7 दिन और प्लस के कितने? 5 दिन, तो 7 दिन तो आपके कट गए हफ्तों में। अब बचे कितने? 5 दिन बचे। तो अब आपको पता है कि 5 कोड किसका होता है। अभी मैंने आपको बताया था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 0 से स्टार्ट होता है, 07 से। ये मंडे हमारा 1, ये 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब है कि 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2017 को, 1 दिसंबर 2017 को आपका कौन सा दिन था? आपका दिन आ गया 5वें नंबर का कोड कौन सा आपका? शुक्रवार, फ्राइडे, शुक्रवार। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि उस लड़की का जो सी वो जो सीता है उसका जन्म कब हुआ है, उस दिन क्या था? बुधवार था, ठीक है। तो बुधवार जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बुधवार कैसे आएगा? अब यहां से चेक कर लेते हैं एक बार। आपको यहां पे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहली तारीख है 9, फिर है 16, 13 और 22। यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले बुधवार तक जाएंगे, ठीक है। ये 2 तारीख आ गई, फिर 3 आ गई, 4 आ गई, 5, 6। यहाँ पे शुक्रवार था, ये आएगा शनिवार, ये आ जाएगा रविवार, संडे, ये आएगा मंडे, ये आएगा ट्यूसडे और ये आएगा वेडनेसडे। इसका मतलब है कि 6 तारीख को कौन सा दिन था? बुधवार था। लेकिन 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 6 ऑप्शन में नहीं है, तो आप पूरा एक हफ्ता आगे चले जाएं। आप जब पूरा एक हफ्ता आगे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा फिट होता है। अब 6 तारीख को बुधवार है, जब पूरा एक हफ्ता आगे जाएंगे मतलब 7 दिन आगे जाएंगे, तो 13 तारीख को भी कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा, ठीक है। 13 तारीख को भी कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा। उसके बाद 13 से 7 दिन फिर से अगर आगे जाते हैं, ठीक है, 13 के बाद अगर 7 दिन आगे जाते हैं, तो 13 और 7 कितने? 20,
मतलब 20 दिसंबर को भी कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। फिर 7 दिन और आगे जाते हैं तो 27, 27 तारीख को भी कौन सा दिन आएगा, बुधवार। तो अब आप देख सकते हैं आपके दिसंबर के मंथ में 6, उसके बाद है आपका 13, उसके बाद है 20 और उसके बाद है 27। मतलब 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 20 दिसंबर और 27 दिसंबर को आपके बुधवार थे, लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ही मैच हो रहा है, वो है आपका 13। तो इसका मतलब है कि 2017 में 13 दिसंबर को सीता ने जन्मदिन मनाया था और उस दिन कौन सा दिन था, बुधवार था। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे करने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? आप बताएं, ये क्लियर हुआ कि आपको क्वेश्चन? ये जल्दी से अपना आंसर बताएं। आज आपका कंप्लीट कैलेंडर का जो टॉपिक है वो खत्म कर दिया जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया है जो आपका मेथड था, ब्रेकिंग मेथड, कि 19 जून 2020 को आपका कौन सा दिन आएगा, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से आंसर बता देता हूँ कि 19 जून 2020 को कौन सा दिन आएगा। तो उस दिन आपका जो आंसर है वो आना चाहिए शुक्रवार। एक बार ज़रूर ट्राई करें ब्रेकिंग मेथड से। 2000 का कोड आएगा, 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 20 साल के कहाँ तक जाना आपने, सिर्फ और सिर्फ 19 जून तक जाना। इस मेथड से आप ट्राई करेंगे। हाँ, अंकित चौधरी सर, मुझे समझ नहीं आया। एक बार अगर आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2013 को वीरवार है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन आएगा? एक बार जरूर आप रेपिटेशन में वीडियो को देखें, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस जब तक आप करेंगे तब तक आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो आपको ये पैटर्न भूल जाएगा। तीस जनवरी 2013 को वीरवार है तो आपको बोला गया है 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन आएगा? जल्दी से इसका आंसर करें, जल्दी से। गैपिंग का मेथड आपको यूज करना है यहां पर। गैपिंग का मेथड आपको यूज करना है। नितिन कटोच, संडे, जल्दी से चेक करें। हाँ, ऑप्शन डी आपका संडे बिल्कुल एक्यूरेट है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर एक्यूरेट है, बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे डेज लिखने हैं। सबसे पहले जनवरी का 1 दिन पेंडिंग बचेगा, फरवरी के 28 दिन होंगे और मार्च के 2 दिन होंगे। 28 आपका कंप्लीट कट जाएगा तो आपके दिन बचेंगे 3 दिन। तो वैसे गुरुवार का मतलब वीरवार, मतलब थर्सडे, थर्सडे में 3 दिन आगे जाएंगे। सबसे पहले दिन फ्राइडे, फिर सैटरडे और उसके बाद आ जाएगा आपका संडे। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। 12 जनवरी 1996 को पूजा का जन्मदिन था और इस दिन बुधवार था। अगला जन्मदिन किस दिन आएगा? इसका मतलब है कि 12 जनवरी 1996 को उसका जन्मदिन था, उस दिन बुधवार था, और अगला जन्मदिन कब आता है, पूरे 1 साल के बाद आता है। तो आपसे 12 जनवरी 1997 की डेट पूछी गई है, सॉरी 1997 का दिन आपसे पूछा गया है। 12 जनवरी 1997 का आपसे दिन पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर करें। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, 1996 जो है वो हमारा लीप ईयर है तो हम 2 दिन आगे जाएंगे। कितने दिन आगे जाएंगे? 2 दिन आगे जाएंगे, 2 दिन आगे जाएंगे। तो बुधवार से जब आप 2 दिन आगे जाएंगे,
तो आपका आंसर क्या आएगा? शुक्रवार आपका फ्राइडे, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए शुक्रवार बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। हाँ वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट के क्वेश्चन चले हैं, दो या तीन क्वेश्चन बचे हैं बस। नितिन कटोच, मैथ की क्लास लगेगी? नहीं, आज मैथ की क्लास नहीं है, इसके बाद आपकी एचपी जीके की क्लास रहेगी, लास्ट क्लास है आज की, और एचपी जीके या इंडिया जीके की कोई एक क्लास आपकी रहेगी जिसमें आपको पूरा एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। मैथ की क्लास आपकी कल होगी। आपको यहाँ पे बोला गया है एक महीने का चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? एक बार ट्राई करें। महीने का जो चौथा दिन है वो आपका सोमवार के 2 दिन के बाद आता है। इसका मतलब है कि जो महीने का जो चौथा दिन है वो सोमवार के 2 दिन के बाद आता है। सोमवार के 2 दिन के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि 2 दिन के बाद मंगलवार बुधवार उनको छोड़ के, तो इसका मतलब है वीरवार, सोमवार के 2 दिन बाद, मतलब कि जो चौथा दिन है महीने का, मतलब 4 तारीख को, 4 तारीख को जो दिन आएगा वो कौन सा आएगा? हमारा वीरवार आएगा। तो आपसे पूछा गया कि उसी महीने का 19 तारीख को कौन सा दिन है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। 4 तारीख को अगर आपका वीरवार है, एक हफ्ता आगे जाएंगे मतलब 7 दिन आगे जाएंगे, तो 7 और 4 11, ठीक है। उसके बाद फिर से 7 दिन आगे जाएंगे तो 18। इसका मतलब है कि जब हफ्ते हफ्ते में आगे जाते जाएंगे तो हमारा दिन चेंज नहीं होता, तो 18 तारीख को तो हमारा वीरवार ही रहेगा। हमने कब जाना? 19 तारीख को। अगर 18 को वीरवार है तो 19 को क्या आ जाएगा? हमारा शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आप इसको चेक कर सकते हैं। साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार है, 17 जनवरी को आपका सोमवार बोला गया है, और आपको फाइंड आउट करना है 19 जून को। एक बार आप इसको जरूर चेक करें कि 19 जून को कौन सा दिन आएगा। आपका आंसर जो है वो यहाँ पर रविवार आना चाहिए, ऑप्शन ए, ये आपके लिए है होमवर्क, ऑप्शन ए यहाँ पे आना चाहिए रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे यहाँ पे आंसर हो पाएगा। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा वो मैंने आपको करवाना है, और आपका एक पूरा का पूरा कैलेंडर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको बोला है 3 दिसंबर 2010 को रविवार है, तो आपको जाना है 3 जनवरी तक। सबसे पहले 3 दिसंबर 2010 से आप जाएंगे 3 दिसंबर 2011 तक, और उसके बाद 3 दिसंबर 2011 से आपको जाना है 3 जनवरी 2011 तक। बस इतना सा आपका, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका आंसर आना चाहिए वो आपका आएगा बुधवार। एक बार आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि जब एक साल आगे जाएंगे तो 2010 से 2011 में, तो रविवार से आ जाएगा सोमवार, और उसके बाद जो हमारा महीने का गैप बनेगा उसमें 2 दिन और ऐड हो जाएंगे, तो हमारा आंसर बुधवार आना चाहिए यहाँ पर। हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, ये आपको क्लास में करवाया गया था, एक बार चेक करें क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पे बोला गया है मेरा भाई मेरे से 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन मेरे भाई से
75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है? यह आप जल्दी से बताएं। क्या आंसर इसका रहेगा? आपको पूछा गया है कि आपका जन्म किस दिन हुआ है। अगर आपकी बहन का जन्म दिन जो है वो अगर मंगलवार को होता है, आपको वो चीज़ें सारी बताएगी। आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आप बता सकते हैं। आप यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पे मेथड क्या यूज करना है, जो आपका यहां पे मेथड है वो 562 जो है, जो आपका 562 है, आप इसको हफ्तों में तोड़ सकते हैं। और जो आपका ये 75 हफ्ते बोला गया है, अगर आपका यहाँ पे आपकी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो आप कितने भी हफ्ते क्यों ना चेंज कर लें, वो दिन आपका क्या रहेगा? मंगलवार ही रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है 562 में। हाँ रजित, दोनों हो गए। हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप उसको ज़रूर चेक करते चलें। इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आना चाहिए आपका रविवार। ये मैंने आपको आंसर बता दिया, एक बार ज़रूर चेक कर रहे हैं। अमित पहाड़िया, मंडे लिखा था आपने और फिर डिलीट कर दिया। डिलीट ना करें क्योंकि आपके जो मैसेज हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, ठीक है? आपके डिलीटेड मैसेज भी यहाँ पे शो होते हैं, आप इसको डिलीट ना करें, ठीक है? ऑप्शन ए आपका रविवार यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन आपके कैलेंडर के टॉपिक का। अगर किसी को कैलेंडर का टॉपिक समझ नहीं आया है तो एक बार पूरी की पूरी वीडियो को रेपिटिशन की फॉर्म में ज़रूर देखें, तभी आपको कैलेंडर का पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे वे में समझ आएगा। आपके पजल के फॉर्मेशन में कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछे जाते हैं तब भी आप उसका बिल्कुल आसानी से आंसर जो है वो बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बोला गया है शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 14 तारीख को फिर से छुट्टी थी, लेकिन उस दिन क्या था? शिवरात्रि के कारण। तो आपको बोला गया है कि 14 तारीख को कौन सा दिन था? देखिए आपको यहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है कि शनिवार को गणतंत्र दिवस था। अब गणतंत्र दिवस का मतलब होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? और वो होता है हमारा 26 जनवरी को। आपको बोला उस दिन क्या था? आपको बोला है शनिवार था। 26 जनवरी को क्या था? आपका दिन शनिवार था। ये चीज़ आपको यहाँ पे प्री डिफाइन होगी, शनिवार था, क्योंकि शनिवार को गणतंत्र दिवस था, मतलब 26 जनवरी थी और उस दिन क्या थी? छुट्टी थी। उसके अगले महीने 14 तारीख को फिर से छुट्टी थी और वो किसके कारण थी? शिवरात्रि के कारण। तो आपको बोला है यहाँ पे 14 तारीख को आपको दिन बताना है। तो मैंने आपको मेथड बताया था, सबसे पहले गैप निकालेंगे। जनवरी हमारा 31 दिनों का, 26 दिन जनवरी के हो चुके हैं तो आपके कितने दिन बचे? 5 दिन आपके जनवरी के बच गए और 14 डेज आपके किसके हैं? फरवरी के हैं। तो आपको 14 फरवरी तक जाना है। आप इसको ऐड कर सकते हैं डिवाइड बाय 7, या फिर जो आपको मेथड बताया है कटिंग का, 14 डेज आपके कंप्लीट कट जाएंगे हफ्तों में, आपके पास बैलेंस बचेगा 5। तो आपको जिस दिन आपका गणतंत्र दिवस था शनिवार, आपको 5 दिन यहाँ पे आगे जाना है। आपको क्या करना है? 5 दिन आगे जाना है। तो शनिवार से 5 दिन आगे जाएंगे रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर वो आएगा वीरवार। वीरवार को और क्या बोला जाता है? गुरुवार बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ रजित चौधरी, 5 दिन आगे जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आप मेरे को ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर बताएं। जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है।
100 में से एटलीस्ट आपको 70 और 80% भी अगर आपको समझ आ गया है, तो जब भी आप इसको रेपिटिशन की फॉर्मेशन में वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा और आपको 70 या 80% के बजाय 100% सारा का सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको यहाँ पर समझ आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे कैलेंडर की ख़त्म होगी। कंप्लीट आपका चैप्टर आज मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक आप कर दें, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर जो है वो मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, एचपीजी के नोट्स, इंडिया जी के नोट्स, साथ में हिमाचल पुलिस का जितना भी अपडेटेड डाटा रहता है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो वीडियो को ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। हाँ ठीक है, 5 मिनट का आपको ब्रेक रहेगा, उसके बाद ही आपकी क्लास लगेगी। हाँ, एक आपकी क्लास लगनी है आज और जीके की। ठीक है, कोई भी अगर अपडेट होता है तो वो आपको ग्रुप के ऊपर जो हो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।